Hey लेकर एंड तक तरीके से आपको मैं इस लेक्चर में पढ़ाने वाली हूं उसके पहले आइए बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ बैकग्राउंड की दोस्तों अगर मैं आपसे पूछू की कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का एक बेहद कॉमन एग्जाम्पल दो तो आप डेफिनेटली बोलोगे सेल राइट तो होता क्या था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के आने के पहले जितने भी प्रोविजंस थे सेल्स ऑफ गुड्स को लेकर के वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पाए जाते थे यानी कि कोई सेपरेट एक्ट थी ही नहीं कितनी आश्चर्य की बात है नहीं क्योंकि जो सेल है वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे ट्रेड और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज और कंडीशंस जो हैं बढ़ने लग गई कॉम्प्लेक्स होने लग गई तो एक नीड डेवलप हुई कि सेपरेटली कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आए जाएं और स्पेशल प्रोविजंस को एक अलग से एक्ट में इंफ्यूज कर दिया जाए और तब जाकर नाइनटीन 1930 में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पास हुआ था अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं एंड एट द सेम टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी इसका एक रिलेशनशिप बहुत गहरा है उसको समझते हैं उसके बाद हम इस लेक्चर पे प्रोग्रेस करेंगे तो देखो दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात करता था अब सेल्स भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कुछ स्पेशलिटी कुछ यूनिक फीचर्स हैं तो कहने का मतलब दो बातें समझिएगा जितनी भी चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जैसे कि ऑफर एंड एग्रीमेंट Uh, free consent then uske baad, the consideration legality of object etc etc breach all of this applies to all of this applies to a sale of good a contract of sale of good as well number two

अब जो सेल है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि जो डिफाइंड सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से ही डेफिनेशन पिकअप करनी है बायर सेलर हो गया और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस हो गया उसके बाद गुड्स क्या होते हैं ये सारी चीजें आपको डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही मिलेंगी Osionfish. दूसरी बात दूसरी बात कुछ यूनिक चीजें होती हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में फॉर बायर और सेलर के बीच का रिश्तेदारी एक बायर को टाइटल टाइटल ऑफ ऑफ गुड्स कब कब मिलता है डिलीवरी ओनरशिप मानी जाती है बायर या सेलर में से कोई इंस्टॉलमेंट हो गया तो किस तरीके से कैसी बातें की जाएंगी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस किस तरीके से होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होंगे ये सारी चीजें स्पेसिफिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दी हुई है राइट तो ये थी पूरी की पूरी बातें दोस्तों की uh, की 1930 और Indian Contract Act 1872 की. अब चलते हैं फटाफट फड़ से हम लेक्चर में और यूनिट नंबर वन पूरा का पूरा का पूरा एक बार में बिंज वॉच कर डालना लेकिन साथ साथ में अपने नोट्स जरूर बना करके रखना और उसको समय समय पर रिवाइज यानी कि री इट्रेड री जाना करते जाना सी यू इन दैट लेक्चर स्वागत तो है यूनिट नंबर वन सेल्स ऑफ गुड्जैक्ट नाइनटीन थर्टी में यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं है पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन्स और डेफिनेशन ये लेकर के आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेकिन वो टर्मिनोलॉजीज जो हम यहाँ पे पहली बार यूज करने वाले हैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के वो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है तो सबसे पहले चरण में फेज में इस यूनिट के आप डेफिनेशन पढ़ोगे उसके बाद आप देखोगे कि जो सेल होता है वो एग्रीमेंट टू सेल से कैसे डिफरेंट होता है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है राइट और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि कुछ दूसरे स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क इससे कैसे डिफरेंट होता है सेल तो मोटा मोटा ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं आइए शुरुआत करते हैं ओके okay, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने चीजें ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं ये पीडीएफ सारे बच्चों के पास पहुंच जाएगा जितनी चीजें हाईलाइटेड हैं या फिर अंडरलाइन हैं सिर्फ आपको उससे ही रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों सेल क्या होता है सेल एक कॉन्ट्रैक्ट ही है आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो सेल एक अग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में जिसमें एक पार्टी गुड्स और सर्विसेज देती है और दूसरी पार्टी उसको उसके अगेंस्ट पैसे देती है कंसिडरेशन देती है ना ये कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में होना चाहिए ये कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में अगर नहीं है गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है गुड्स में तो उसको हम सेल का नाम ना देकर के बार्गेन का नाम देते हैं राइट right? नाउ जो सेल होता है जो गुड्स होते हैं उसमें कुछ चीजें शामिल हैं इंक्लूडेड हैं और कुछ चीजों को गुड्स में से एक्सक्लूड किया हो गया है फॉर एग्जांपल जो मनी है मनी करेंसी उसका सेल नहीं हो सकता है वो गुड्स होता ही नहीं है एट द सेम टाइम जो इममूवेबल प्रॉपर्टी है उसको गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है यानी कि जो लैंड है वो गुड्स नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सेल दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बट अगेन जो वो इमोबल प्रॉपर्टी है जो जो वो land है, उसमें जो crops उगी गई है, crops उगाए गई हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, तो वो अगेन गुड्स की डेफिनेशन में शामिल होगा नाउ टॉकिंग अबाउट करेंसी जो कॉइन्स होते हैं जो रेयर ओल्ड कॉइन्स होते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल होते हैं तो ये सारी चीजें हम रीड आउट करेंगे एज यूजल और उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे

टिपिकल टिपिकल बारगेन है सौदा है बिटवीन दिलो दुड्स एक्ट नाइन अलाउस टू ऑफ दोवीजन लॉ बाइ एक्सप्रेस है दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि यहां पे मैं वन लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिख दिया है एक्सप्रेस स्टिपुलेशन में वन यानी कि ये वन कहीं ना कहीं आपको नीचे मिलेगा राइट तो क्या लिखा हुआ है दैट दिस सेल पार्टी टू मोडिफाई द प्रोविजन ऑफ द लॉ बाई एक्सप्रेस स्टिपुलेशन दोस्तों express stipulation का मतलब होता है कि एक बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि देखो इस सेल में ये कंडीशन ये दी जाएंगी वो दोनों आपस में मिलकर के म्यूचुअली उस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टिपुलेट कर रहे हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ये सेक्शन दे देता है लेकिन काफी ज्यादा लिबरल uh, है काफी ज्यादा फ्रीडम है बायर और सेलर को कि वो आपस में अपने एग्रीमेंट को कंडीशन को ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट वो स्टिपुलेट कर सकते हैं और कोर्ट को उसको मानना पड़ेगा तो एक्सप्रेस स्टिपुलेशन की बात यहां पे मैंने लिखी हुई है स्टिपुलेशन का मतलब होता है पार्टीज़ टू एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस सम कंडीशन ऑफ देयर ओन विच हैज टू फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट And no party will will have have to to prove those facts. Jury will have to accept them as undisputed evidence. It should be clearly identified and mentioned. कहने का मतलब है कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं, वैसे ही होनी चाहिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक यूनिक फीचर यह है कि यहाँ पे एक्सप्रेस स्टिपुलेशन एज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन बायर एंड द सेलर अलाउड है वो अगर वो कंडीशन लिख देते हैं अपने सेल कॉन्ट्रैक्ट में तो कल को उन्हें उस बात को ज्यूरी को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा ज्यूरी यानी कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको एक्सेप्ट करेगा ऑफ कोर्स वो इलीगल नहीं होना चाहिए तो ये एक यूनिक फीचर है राइट अच्छा एक और बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन है उनको खुला छोड़ा गया है यानी कि जो कोर्ट है ज्यूरी है जो है, है उसको ओपन छोड़ा गया है वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करे

पूरे के पूरे भारत में ये लागू होता है ये नियम और लॉ को लेकर के जितनी भी डेफिनेशन हैं जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं प्रोविजन में वो सब इस एक्ट में है नाउ स्कोप ऑफ द एक्ट ये एक्ट कहां कहां पे लागू होता है याद रखिएगा दिस एक्ट के प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेबल प्रॉपर्टी गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए लैंड बिल्डिंग जो भी चीज इमूवेबल है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत गुड्स की डेफिनेशन में ही शामिल नहीं होती है यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही उस पर लागू नहीं होता है दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड शॉप हाउस एटसेट्रा राइट याद रहेगी ये बात बहुत जरूरी है कि एक्ट एप्लीकेबल नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल्स में गुड्स में से ही इसको हटा दिया जाता है जैसे कि लैंड हो गया आपकी बिल्डिंग होगी ये सब The General Provisions of Indian Contract Act 1872 apply to contract of sale of goods in so far as they are not inconsistent with the express provisions of the Sales of Goods Act. ये बात मैंने आपको introduction वाले video में ही बता दी थी, right? तो दो चीजें हैं Indian Contract Act की ज़्यादातर चीजें जो हैं Sales of Goods पे भी लगती हैं, बस वो inconsistent नहीं होनी चाहिए और जो चीजें Indian Contract Act में defined नहीं हैं, जो unique feature है Sales of Goods का, वो इस Act में expressly state कर दी गई हैं.

अब हम शुरुआत कर रहे हैं डेफिनेशन की वन बाय वन बहुत सारे डेफिनेशन है जो कि आप पढ़ने वाले हो और साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने अलग से लिखी हुई हैं right. तो यहां पे सबसे पहले जो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं आइए उसको डिफाइन कर लेते हैं नंबर वन है आपका बायर और सेलर दोस्तों बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है बायर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कोई चीज खरीद रहा है या फिर खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है याद रखिएगा ये जो शब्द है एग्रीज टू बाय एग्रीज टू सेल ये बहुत ज्यादा आने वाला है व्हाई बिकॉज दोस्तों आज अगर मैं इस सामान को सेल कर रही हूँ तो ये तो सेल है लेकिन आज अगर मैं किसी बायर के साथ एग्रीमेंट कर रही हूँ कि भाई मैं तुझे ये चीज एक महीने बाद दूंगी फ्यूचर में दूंगी तो वो भी सेल की डेफिनेशन में आता है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन में कवर होता है तो बायर का मतलब है एक ऐसा इंसान जो आज चीजें खरीद रहा है या फिर एग्रीमेंट कर रहा है कि वो आपसे वो चीजें खरीदेगा ऑन दी ऑपोजिट साइड सेलर एक ऐसा इंसान है जो आज चीजें बेच रहा है या फिर एग्रीमेंट कर रहा है कि वो आपको बेचेगा याद रखिएगा ये जो बायर और सेलर टर्म है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखो दो शब्द होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आई और कॉम्प्लीमेंट्री ई e. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब आई वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कोई अच्छी बातें कर रहा है right? कॉम्प्लीमेंट का मतलब uh, तो यानी कि आपस में जोड़ी है चाय बिना शक्कर के चाय बिना चाय पत्ती के कुछ नहीं है वैसे ही गाड़ी बिना पेट्रोल के कुछ भी नहीं है वैसे एक बायर के लिए एक सेलर होना जरूरी है तो जो बायर और सेलर शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दे कंप्लीट ईच अदर एंड इट रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि एक पार्टी खुद ही सेलर और बायर नहीं हो सकती है यहां पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताती हूँ एक पार्टनरशिप फॉर्म है मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह पढ़ाया था एक पार्टनरशिप फॉर्म है दोस्तों वो पार्टनरशिप फॉर्म का लिक्विडेशन हो गया है इंसॉलमेंट uh, हो गई है पार्टनरशिप फॉर्म और आज की डेट में ऑफिशियल असाइनिंग क्या कर रहा है वो सारे के साथ नहीं ऑफिशियल असाइनिंग को छोड़ो सारे के साथ पार्टनर्स जो हैं उस पार्टनरशिप फर्म के जो असेट्स हैं उसको सेल करके खुद ले ले रहे हैं या फिर खुद पैसे ले ले रहे हैं यहां पे एक सेल्स ऑफिसर था सेल्स टैक्स ऑफिसर उसने इस चीज को सेल मान लिया यानी कि पार्टनरशिप फर्म के जो असेट्स हैं वो पार्टनर्स को जब मिल रहे हैं डिज्रीब्यूशन के दौरान तो उस सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उसको एक सेल मान लिया और उस पर सेल्स टैक्स लगाने की बात कही यहां पे मैं आपको बता दूं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं क्योंकि बायर और सेलर एक ही है आपको पता होगा आप पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं दे आर वन एंड द सेम थिंग यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है राइट तो दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है Now, not only the person who buys, but also the one who agrees to buy is a buyer. Similarly, seller का मतलब एक बंदा जो आज sell कर रहा है plus agrees to sell. याद रखेगा जो चीजें मुझे जरूरी है बताना वो मैं read out कर दे रही हूं बाकी चीजों को आप बस मेरी बातों से सुने और समझें और बाद में revise करें Now

कि जब कंडीशन पूरी हो जाएंगी या फिर वो डेट आ जाएगी तो वो सेल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों गुड्स की ठीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान सुनिएगा गुड्स का मतलब क्या होता है गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैम सब ऊपर से निकल गया देखो गुड्स का मतलब सबसे पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है लेकिन इन मूवेबल प्रॉपर्टीज में से भी कुछ चीजें एक्सक्लूडेड हैं जैसे कि एक्शनेबल क्लेम और मनी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके और मेरे बीच में एक डेट एग्रीमेंट है यानी कि आ, मैंने आपको स्यू कर दिया है कि आप मेरी डेट वापस नहीं कर रहे हो राइट तो ये जो डेट है ये चीजें अगर मैं बोलती हूं कि यार मुझे इस बंदे से पैसे लेने हैं ये मेरा डेटर है मैं इस डेटर को किसी और को सेल नहीं कर सकती हूं मैं इसको किसी और को असाइन कर सकती हूँ राइट एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अ क्लेम टू एनी डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी इट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स बिकॉज इट कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड इट कैन ओनली बी एनफोर्स एक्शन इन कोर्ट एंड इट कैन बी असाइंड यानी कि जो डेटर है उसको असाइन कर सकते हैं नेक्स्ट उसको सेल नहीं कर सकते दूसरी बात अगर किसी डेटर के ऊपर मैंने कोई क्लेम कर दिया है पैसे नहीं दे रहा है अब ये कोर्ट की तरफ जा चुका है कोर्ट जब तक उसको हामी नहीं भरेगा वो एक्शन नहीं लेगा कोर्ट तब तक ये जो है तब तक ये एनफोर्स नहीं हो पाएगा ये जो डेट है ये जो क्लेम है इसका एक्शन कोई नहीं ले पाएगा और उस एक्शनेबल क्लेम को भी उस डेट को भी हम सेल नहीं कर सकते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी नाउ यहां पे मनी की दो चीजें हैं देखो मैंने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं मनी एक तो करेंसी होती है मनी करेंसी को ऑफ कोर्स करेंसी तो एक मीडियम है ना एक्सचेंज करने का तो करेंसी को आप सेल नहीं कर सकते वो गुड्स नहीं है बट अगेन यहां पे आप ये समझिए कि जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं जो दस पैसे का पच्चीस पैसे का दो पैसे के सिक्के होते हैं आज वो लाखों में बिकते हैं क्योंकि वो रेयर है तो उसको आप करेंसी में ना शामिल करें करेंसी का मतलब समथिंग विच इज प्रेवलेंट उसको आप गुड्स में शामिल नहीं करेंगे लेकिन जो ओल्ड कॉइन्स हैं उसको आप गुड्स बना करके सेल कर सकते हैं दैट इज ओनली मनी इन द सर्कुलेशन कैन नॉट बी सोल्ड ओल्ड रेयर कॉइन्स कैन बी सोल्ड दे आर गुड्स आप चाहो तो बीच बीच में पॉज दे सकते हो हमने ये चीजें कर ली आई एक बार माइंड मैप देते हैं गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स याद रखेगा जो स्टॉक्स होते हैं वो सेल होते हैं शेयर्स होते हैं वो सेल होते हैं नाउ ये बात ध्यान से पढ़िए हम लोगों ने बात की कि जो लैंड होगा जो लैंड होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो सेल नहीं हो सकता वो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो सकता लेकिन लैंड के ऊपर अगर मैंने कोई क्रॉप ग्रो की है मेरे कस्टमर ने बोला मैंने उसके लिए कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं कोई पौधा लगाया हुआ है कोई ग्रेन्स लगाई हुई हैं या फिर मैंने ट्री लगाई हुई है तो ये सब चीजों को आप सिवियर कर सकते हो काट सकते हो अलग कर सकते हो सेल के टाइम पे और ये तब गुड्स बन जाएगी यानी कि अलग होना जरूरी है ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट लैंड विच इज एग्रीड टू बी सेपरेट करना लैंड से कहीं ऐसा ना हो कि आप के साथ साथ पूरा पूरा का कर रहे हो बिकॉज जो लैंड है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है सो यू हैव टू सेपरेट दीज थिंग्स इवन वेन दे आर ग्रोइंग ऑन द लैंड विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये तीन बातें जरूरी थी गुड्स में सीखने की अब मैंने आपको बार बार बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सिर्फ सेल नहीं पढ़ेंगे हम एग्रीमेंट टू सेल भी पढ़ेंगे अब जब एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन तरीके के गुड्स को समझना बहुत जरूरी है एक तो आज जो सेल हो गई उसमें जो गुड्स शामिल है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स एक सेल जो फ्यूचर डेट में होगी उसमें जो गुड्स होते हैं वो होते हैं फ्यूचर गुड्स कंटिजेंट गुड्स उसकी अब हम बात करेंगे राइट तो ये माइंड मैप है आप आखिरी में देखिएगा एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है जो आज जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज जब बायर मेरे को पैसा दे रहा है आज मैं जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रही हूं तो वो गुड्स आज एग्जिस्टेंस में है आज मेरे सेलर के ओनरशिप में पोजेशन में है मैंने कहीं से एक्वायर कर लिए हैं मेरे ओनरशिप या फिर मेरे पोजेशन में वो गुड्स हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइट नाउ ये जो सेल होते हैं जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं ये भी बहुत तरीके के हो सकते हैं राइट right? देखिए पहले मैं चाहती हूं कि आप ना इस एग्जाम्पल को देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया कि जो गुड्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस के से में करंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस से में अब ये भी दो तीन तरीके के होते हैं पता है एक होता है आइडेंटिफाइड एक होता है एसर्टेंट और एक होता है अन देखिए एक होता है स्पेसिफिक गुड्स दैट इज आइडेंटिफाइड गुड्स एसर्टेंट गुड्स सॉरी ये स्पेसिफिक गुड्स हो गए टे गुड्स हो गए और ये आपके अन असर्टेड गुड्स हो गए लेकिन इसको समझने के पहले एग्जिस्टिंग गुड्स में इसको समझने के पहले मैं चाहती हूं कि आप इसको पढ़ लें ओके एक्स वॉन्ट्स क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल एक्स वॉन्ट्स टू बाई अ टीवी एंड गोज टू अ शो रूम वेर फोर डिफरेंट टीवी मॉडल्स आर डिस्प्लेड ही सीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेट एंड एग्रीज टू बाई दैट चार टीवी के मॉडल्स रखे हुए थे एक आपके शोरूम में मैंने जो है जाकर के एक्स ने जाकर जा, जा के एक मॉडल का परफॉर्मेंस देखा और उसने बोला कि भाई बिंदास है मुझे खरीदना है नाउ अगर उसने उस पर्टिकुलर सेट को अलग कर दिया बोला कि मुझे यही खरीदना है दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक सेट ठीक कहने का मतलब उसने मॉडल को असरटेन कर दिया मॉडल को स्पेसिफाइड कर दिया अब अफकोर्स जो बंदा है जो आपका शॉपकीपर है वो जाएगा उसी मॉडल डिस्प्ले तो देगा नहीं उस मॉडल का दूसरा आइटम निकाल करके आपको देगा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक सेट मुझे ये स्पेसिफिक गुड्स लेने हैं अगर मैंने वहां पे जाकर के क्या कहा मैंने बोला कि नहीं मुझे यही टीवी चाहिए मुझे इसी का कलर पसंद है इसका सब कुछ पसंद है मैंने उसमें एक मार्किंग कर दी कि भैया इन्वॉइस बनाओ और मेरे घर डिलीवर कर दो यही यही मॉडल मुझे चाहिए यही आइटम चाहिए दैट्स कॉल्ड असरटेन गुड्स जब तक आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन एसर्टेन नहीं हो रहा है तब तक जो गुड्स हैं सारे के सारे मॉडल्स आर कॉल्ड दो गुड्स राइट आइए अब देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की अगर बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं पहला है स्पेसिफिक गुड्स यानी कि जो गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल Example, any specified and finally decided goods like Samsung Galaxy S7 Edge, Whirlpool washing machine of 7 kg etc. तो आपने specify कर दिया कि मुझे ये चाहिए, ascertain नहीं किया यहाँ पे कि मुझे यही model चाहिए, यानी कि यही item चाहिए. Model ascertain कर दिया, that's called specified goods. आपने identify किया कि मुझे ये वाली 7 किलो की ki washing machine LG की चाहिए, या फिर मुझे Samsung Galaxy या फिर मुझे iPhone 13 Max, whatever चाहिए, right? इतने-इतने GB का, इतने-इतने color का. ख लेंगे खुद से नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों क्या होता है असर्टेड गुड्स आर दोफाइड इन अकॉर्डिंग विद्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रेक्ट ऑफ सेल इज मेड राइट दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड समझिए In actual practice, the term ascertained goods is used in the same sense as above, specified goods, when from a lot or out of large quantity of unascertained goods, the number or quantity contracted for is identified. सच आइडेंटिफाइड गुड्स कॉल्ड एसर्टेड गुड्स यानी कि बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए मैंने कहा कि मुझे इसी मॉडल का इसी यही आइटम चाहिए ईयर मार्क कर दिया मैंने मार्क कर दिया दैट्स गुड्स ठीक मोर लाइकली ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स लेकिन स्पेसिफाइड गुड्स में आप एक बंस एक क्लास को स्पेसिफाई करते हो यहाँ पे आप एक्सैक्टली exactly उस आइटम को स्पेसिफाई कर देते हो राइट अच्छा इसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया असर्टेन गुड्स को इसको जुडिशियली इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दिया गया है मैंने आपको बताया था कि ऐसा बहुत बार होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन में इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है देखेगा एक होलसेलर था कॉटन का कॉटन का होलसेलर था जिसके पास उसके गोडाउन में सौ बेल्स ऑफ कॉटन थी यानी कि सौ बंडल्स थे कॉटन के ही अग्रीज टू सेल फिफ्टी बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड ऑन सिलेक्शन द गुड्स बिकम्स असर्टेन यानी कि एक बायर आया उसने बोला कि मुझे ये वाले पचास बेल्स ऑफ कॉटन आउट ऑफ दीज हंड्रेड चाहिए दिस इज कॉल्ड This is मुझे फाइंड कॉटन के रिफाइंड कॉटन के बंडल चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ, लेकिन मैं गई गोडाउन में सेलर के मैंने सौ में से पचास को अलग कर दिया माफ कर दिया मैंने उसको एसरटेन कर दिया स्पेसिफाई तो किया एसरटेन भी कर दिया है ठीक इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ असर्टेन गुड्स एज द कॉटन बेर्स टू बी सोल्ड आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी नोटेड दैट बिफोर द दिन गुड्स गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर अन गुड्स देखो पहली बात मैं गई वहां पे टीवी के शोरूम की बात करते हैं मैं वहां पे गई मैंने कहा कि मुझे यही वाला मॉडल चाहिए ये वाला मॉडल चाहिए मैंने बोल दिया राइट right? अब ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया अब जब बंदा इनवॉइस काट रहा था और जब मेरे घर पे डिलीवरी करने वाला था मैंने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है मैंने उस वक्त बोला कि भाई सुन ये जो टीवी डिस्प्ले है ना मुझे यही वाला आइटम चाहिए तो अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद स्पेसिफाइड गुड्स के बाद एसरटेन कर दिया है तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट जब हो चुका होता है उसके बाद एसरटेनमेंट होता है ठीक है उसके बाद एसर्टमेंट होता है यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट असर्टेनमेंट होता है और जब तक स्पेसिफिकेशन या फिर असर्टेन नहीं हो सकता है तब तक जो है अनएसर्टेन की कैटेगरी में रहते हैं हमारे गुड्स जो कि है हमारा थर्ड एग्जाम्पल असर्टेड गुड्स की अगर हम बात करें तो क्या है जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है या फिर नहीं है सिर्फ उसको जो है दे आर इंडिकेटेड और और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन सैंपल आइए देखते हैं ये याद रखिएगा इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल एग्जाम्पल इफ ए एग्रीज टू सेल टू बी वन पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट ऑफ वन हंड्रेड पैकेट लाइंग इन द शॉप इट इज अ सेल ऑफ अन गुड्स ट इज नॉट नोन विच पैकेट इज टू बी डिलीवर्ड एज सुन एज अ पर्टिकुलर पैकेट इज सेप्रेटेड आउट फ्रम द लॉट इट बिकम्स ए सर्टेंड और स्पेसिफाइड गुड्स कहने का मतलब सेल की बात यहां पर भी हो चुकी है यार तभी तो गुड्स की बात हो रही है ना वाई जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट और सेल नहीं हो रहा है सेलर और बायर के बीच में तब तक गुड्स की बात आएगी कहां से तो कहने का मतलब कि अभी जो है बात हो रही है अभी बात हो रही है सेल करने की लेकिन ये श्योरिटी नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल ए ने एग्री किया कि वो बी को एक पैकेट सॉल्ट का देगा उसके पास सौ पैकेट्स रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस सेल में पता नहीं चला कि कौन सा पैकेट अलग किया जाएगा तो अभी ये अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं राइट Similarly, example number five. X has ten horses. He promises to sell one of them, but does not specify which horse he will sell. It is a contract of sale of unassertained goods. तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे गुड्स uh, में हम लोगों ने डेफिनेशन में बायर और सेलर की बात कर ली याद किया करो याद किया करो पॉज कर करके कर कि याद किया करो कि मैम ने क्या बताया है राइट सो रीविजिट रिकॉल एंड री एनफोर्स रीविजिट रिकॉल एंड री हम लोगों ने बायर और सेलर की बात कर ली हम लोगों ने गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स की बात कर ली एग्जिस्टिंग गुड्स में हम लोगों ने स्पेसिफाइड गुड्स एसर्टेन गुड्स और अन गुड्स की बात कर ली अब हम लोग एग्जिस्टिंग के आगे बढ़ रहे हैं अभी तो गुड्स एग्जिस्ट कर रहा था अब गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आगे कहीं है गुड्स आगे फ्यूचर में कहीं है गुड्स सो नेक्स्ट इज दोस्तों फ्यूचर गुड्स यार नाम से पता चल रहा है कि फ्यूचर गुड्स कोई ऐसे गुड्स होंगे जो कि अभी सेलर के पास नहीं है सेलर सेलर की ओनरशिप में के में के पोजीशन वो गुड्स नहीं है राइट right? अभी भी प्रोड्यूस करना बाकी है एक्वायर करना बाकी है उसका ओनरशिप सेलर के पास होना बाकी है फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी प्रोड्यूस्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल देखो मैंने कहा था कि अभी मैं आगे, आगे आपको बताऊंगी व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल ठीक तो सेल एग्जिस्टिंग गुड्स की होती है एसर्टेन गुड्स की होती है स्पेसिफाइड गुड्स की होती है या फिर अगर है और अनअसर्टेन है तो उसकी भी होती है लेकिन अगर कोई गुड्स एग्जिस्टिंग ही नहीं है फ्यूचर में है अभी बनाना बाकी है तो उसके तुम सेल कैसे कर दोगे अगर कंडीशन अभी भी है तुम ये बोल सकते हो कि मैम कल को मैं ये गुड्स बना दूंगा लेकिन आज चलिए सेल कर देता हूं कल को उसको डिलीवर कर दूंगा जब बन जाएगा दोस्तों अभी, जारी है। जारी है कि अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है कॉन्ट्रैक्ट की की में प्रोमेजर और दोनों ने, contract, right? पढ़ा था ना तो वही बात है कि जब आपके गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी और आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप फ्यूचर डेट में उसको जब वो बन जाएगा तब आप सेलर को दोगे बायर को तो यहाँ पे इट्स नॉट अ सेल इट्स एन

कहने का मतलब मान लेते हैं कि आज मैं बोलती हूँ कि मैं थाउजेंड जेड चीजें ऑफ जो होता है मेरवाना जो कि इलीगल है इंडिया में राइट क्या बोलते हैं उसको मेरुआना जो लोग फूकते हैं ना स्मोक करते हैं तो वो मेरुआना का मैंने ऑर्डर किया मैंने सेल एग्रीमेंट टू सेल किया कि भाई ए सुन मैं तुझे थाउजेंड क्विंटल ऑफ मेरुआना जो है अगले महीने दूंगी नाउ दिस इज इलीगल ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं दिस इज नॉट अ फ्यूचर गुड्स मेरुआना हेयर इज नॉट अ फ्यूचर गुड्स वाई बिकॉज इट इज इलिगल तो याद रखेगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट में चीजें लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चल रही है वो तो यहाँ पे अप्लाई होगी इसलिए यहाँ पे पोटैटो का एग्जांपल दिया कि मैं 1000 किलो 1000 क्विंटल पोटैटो का तुमको दूंगी क्योंकि अभी वो गुड्स मेरे पास नहीं है इट्स अ फ्यूचर गुड्स एंड हेंस द सेल इज नॉट एन एक्चुअल सेल इट्स एन एग्रीमेंट टू सेल राइट एग्जाम्पल सेवन पी एग्रीज टू सेल टू क्यू ऑल द मिल्क दैट हिज काउ मे ईल्ड मे ईल्ड During the coming year, this is a contract for sale of future goods. It's an agreement to sell, not an actual sale. Example number eight T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sell, right? अच्छा जी नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर गुड्स के जैसा ही एक गुड्स होता है जिसको बोलते हैं कंटेंजेंट गुड एग्जिस्टिंग गुड आज है फ्यूचर गुड आज नहीं है कंटेंजेंट गुड भी आज नहीं है देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है फ्यूचर गुड्स में और कंटेंजेंट गुड्स में मैंने एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड टू बी ऑनेस्ट दिट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्चुअल सेल इट्स एन एग्रीमेंट टू सेल मैंने फ्यूचर गुड्स में एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है देख लीजिएगा एक रेलवे एडमिन है वो एंटर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ सेल ऑफ कोल दैट माइट अक्यूमुलेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो जो रेलवे होती है ना रेलवे के जो जगह होती है आपने देखा होगा कोल वगैरह होता है तो रेलवे एडमिन कह रहा है कि जब कोल की अगर एश जनरेट हुई कोल की अगर एश जनरेट हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो सेल कर देगा तो आज गुड्स है ही नहीं ये बेसिकली एक कंटेन्जेंट गुड है ठीक अच्छा आखिरी बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर गुड्स में आखिरी बात करते हैं कंटेंजेंट गुड्स क्या होते हैं द एक्विजिशन ऑफ व्हिच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटेंजेंसी अनसर्टेन इवेंट्स अनसर्टेन इवेंट्स आर कॉल्ड कंटेंजेंट गुड्स Contingent goods also operate as an agreement to sell and not an actual sale, so far, as, so far as the question of passing of property to the buyer is concerned. In other words, like the future goods, in the case of contingent goods, also the property does not pass to the buyer at the time of making the contract. राइट right? तो देखो दोनों ही केस में एग्रीमेंट टू सेल है बस डिफरेंस ये है कि फ्यूचर गुड्स में पता है कि ये गुड्स तुम्हारे पास आ जाएंगे एज अ सेलर तुम्हारे पास आ जाएंगे कंटेंजेंट गुड्स के केस में पता ही नहीं है किसी अनसर्टन चीज के ऊपर है फॉर एग्जांपल यहां पे रेलवे एडमिन कह रहा है कि अगर कोल एश जनरेट हुई तो वो सेल करेगा इट्स अ कंटिंजेंट गुड क्योंकि इसका होना ना होना सेलर के पोजेशन में ये एक अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा और अगर ये गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है फ्यूचर में तो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा यानी कि आज एग्रीमेंट टू सेल है कंटिजेंट गुड्स का एग्जाम्पल A agrees to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner. This is a contract of sale of contingent good. तो क्या निकाला मतलब मैं मैं contract हुई क्यों? भाई contract है लेकिन agreement है contract of sale of contingent good और ये बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही allowed है sales of goods act 1930 में. Similarly क्या बोला यहाँ पे कि मैंने बोला कि भाई सुन मैं तुझे Picasso painting पक्का से पक्का sell करूँगी अगर मैं उसके original buyer से खुद उससे purchase कर पाई तो example number ten

दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया है बायर और सेलर हम लोगों ने बात कर लिया है काफी तरीके के गुड्स की अब हम लोग बात करने वाले हैं डिलीवरी की ठीक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुना डिलीवरी कितने तरीके की होती है डिलीवरी का मतलब क्या होता है डिलीवरी का मतलब होता है कि मैं एज अ सेलर अपने बायर को सामान दे रही हूं मैं एज अ सेलर अपने बायर को सामान दे रही हूं राइट अगर आज मैं फिजिकली डिलीवर कर देती हूं फिजिकल पोजेशन बायर को ट्रांसफर कर देती हूं ठीक है या फिर मेरे बायर ने किसी और पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है कि मैडम आप इसको दे देना ये मेरे बिहाफ पे ले लेगा ले सामान मेरे बिहाफ पे होल्ड कर देगा तो मैंने उस बंदे को फिजिकल डिलीवरी ट्रांसफर कर दी इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी वेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर टू द बायर एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस वेन द सेलर ट्रांसफर्स द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और टू द थर्ड पर्सन ऑथोराइज टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर यानी कि उस बंदे ने खुद ही जो है ऑथोराइज कर रखा है बायर ने इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी अच्छा मैम और भी किसी तरीके की डिलीवरी होती है दोस्तों एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बहुत ध्यान समझना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं देखो, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ऑसम है ये, समझो अगर मैं एक वेयरहाउस ओनर हूं मेरा एक गोडाउन है ठीक मेरे गोडाउन में ए बंदा है वो हमेशा अपना माल अपनी कारपेट्स के बंडल्स को रखता है उसके पास खुद का कोई गोडाउन नहीं है वेयरहाउस नहीं है तो वो मेरे वहां सेफली रखता है और मैं उससे वेयरहाउस का रेंट चार्ज करती हूँ अब वेयरहाउस वाले जो होते हैं जो शिप डॉक वाले होते हैं जो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं जो पोर्ट मैनेजर्स होते हैं ये जनरली सामान को लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर यानी कि मैं अग्रिका मेरा एक वेयरहाउस है और मैंने होल्ड किया हुआ है ए के कारपेट्स को अच्छे खासे वैल्यू की कारपेट्स है मैंने ए के नाम से होल्ड किया हुआ है अब ए मुझे बताता है कि अगरका मैडम वेयरहाउस आपका है कारपेट यहीं पे रहने वाली है लेकिन अब ये कारपेट सेल हो गई है यानी कि जो मिस्टर बी है उसने मुझे पैसे दे दिए हैं और ये 100 बंडल्स हैं कारपेट्स के जो आपके वेयरहाउस में पड़े हुए हैं जो अभी भी पड़े रहेंगे वो जो है मेरे नहीं है अब एक ही नहीं है वो बी के हो चुके हैं वो बायर है तो यहां पे हो क्या रहा है कि कोई कस्टडी में चेंज नहीं हुआ पोजेशन मेरे पास ही था बस मैंने उसको ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स होल्ड करना शुरू कर दिया है कारपेट्स का उसके पास कंस्ट्रक्टिव मानते हुए सोच में एक्नॉलेज करते हुए डिलीवरी हो गई है कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं है दिस कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव सोच विचार में मान लिया मान लिया ठीक तो, तो इसको देख लीजिएगा वेयर अ वेयर हाउस मैन होल्डिंग गुड्स ऑफ somebody टू होल्ड ऑफ request. Of रिक्वेस्ट वो ए ही बताएगा ना तभी तो मैं उसको दूसरे के बिहाफ पे पकड़ूंगी भाई ए मेरा मालिक था मालिक इन द सेंस गुड्स का मालिक ए था तो ए ही तो बताएगा कि अब वो किसके बिहाफ पे हो गया वो किसको सेल हो चुका है तो दिस इज ऑल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एज अगेंस्ट एक्चुअल डिलीवरी नेक्स्ट हम तीसरी बात कर रहे हैं दोस्तों इसके बाद में एक छोटे से ब्रेक लूंगी इसकी बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिंबोलिक डिलीवरी सिम्बोलिक डिलीवरी का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आप एक गाड़ी खरीद के आए अब गाड़ी जो है बोला जा रहा है कि आपको दिवाली के बाद गाड़ी आपके घर पे आएगी लेकिन आपको चाबी पहले दे दी गई आपको गाड़ी के पेपर्स पहले दे दिए गए दिस इज कॉल्ड सिंबोलिक डिलीवरी यानी कि एक टोकन दिया गया एक टोकन दिया गया ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स एक टोकन दिया गया ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स अभी आप एक चीज पढ़ोगे दोस्तों जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पढ़ोगे यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ोगे जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग डॉक वॉरेंट वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट वॉरफिंगर सर्टिफिकेट रेलवे रिसीट तो कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि, कि किसी एक इंसान को डिलीवरी की जा रही है गुड्स की लेकिन अभी गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी नहीं है बस यहाँ पे कुछ पेपर्स कागजात दे दिए गए हैं कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल डिलीवरी फॉर द टाइमिंग पॉसिबल नहीं होती है तो एक सिंबल देना एक टोकन देना कि भाई सुन

In token of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit, may be made by handing over documents of title goods, example, bill of lading, railway certificate, receipt, delivery goods, or the key of the warehouse. Chabhi, chabhi, chabhi. Key of a warehouse containing goods is handed over to the buyer where actual delivery is not possible for some time. There may be delivery of means by getting possession of the goods, right?

अब कभी कभी गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते हैं राइट right? तो ऑफकोर्स वहां पर एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है तो गुड्स को एक्चुअल डिलीवरेबल स्टेट में कब माना जाएगा गुड्स को एक्चुअल डिलीवरेबल स्टेट में तब माना जाएगा जब बायर मना ना कर पाए मना ना कर पाए कि भैया इसमें कुछ गुंजाइश बाकी है ये मेरी कंडीशंस मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं है गुंजाइश ना हो तब उसको परफेक्ट माना जाएगा दोस्तों मैं एक सेकंड चेक कर लूँ कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स बेहतरीन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं वरना डर लगने लग जाता है ठीक है तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कब माना जाता है जब वो एक ऐसी कंडीशन में हो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो स्पेसिफिक फीचर्स कंप्लीट कर रहे हो और जो बायर है मना ना कर पाए उसको लेना ही पड़े ही इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी दिस इज सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन नंबर थ्री आपको पता है सेक्शन नंबर टू में डेफिनेशन है ठीक है ये हो गया नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स देखिए मैंने ऐसे किया हुआ है आई थिंक ये मुझे एरो हटा करके इसको ऐसे करना चाहिए

इस मोबाइल फ़ोन का टाइटल मेरे पास है यानी कि इसकी ओनरशिप इसका रिस्क इसका रिवॉर्ड सब मेरे पास है कभी कभी आप किसी से सामान यूज लेते हो रेंट पे उसका टाइटल आपके पास नहीं होता है सिर्फ उसकी जो स्पेसिफिक टाइटल होता है स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है यूज करने की प्रॉपर्टी आपके पास है जनरल प्रॉपर्टीज जनरल जो उसकी राइट्स होते हैं वो आपके पास नहीं होते इस केस में टाइटल आपके पास नहीं होता है राइट तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स उसके पहले मैं थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा एक लूंगी पॉज क्योंकि मेरे गले में हो रही है दर्द ओके okay जी आगे बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स की इसमें बहुत सारे नए नए शब्द आप यूज करोगे समझोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए मैंने यहां पे जो है चीजें आपके लिए टाइप कर दी हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो तो आइए समझते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है यहां पर लिखा भी हुआ है रीड द डेफिनेशन बिलो इट इंक्लूड्स देखो नाम से पता चल रहा है डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि टाइटल ऑन गुड्स दे रहा है यानी कि जो गुड्स हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स में हमारे गुड्स हैं उस पर हमें ओनरशिप दर्शा रहा है ऐसा डॉक्यूमेंट ठीक Now document of title of goods includes bill of lading dock warrant warehouse keeper certificate finger certificate railway receipt multimodal transport document warrant or order for the delivery of goods and any doc document used in the ordinary course of business as proof of possession or control of goods or is for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document rah, this is this by tough hai nahi samajh mein aaya koi

तो उस बंदे के पास गुड्स नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है तो वो उसको भी कर सकता है को आगे। आज उसके नहीं है लेकिन आज उसको आगे किसी को सेल कर देगा राइट तो आइए इसको पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इज वन विच इनेबल्स इट्स पोजेसर टू डील विद्राइब इन इट एज इफ ही वर द ओनर वो ओनर है उसके पास अगर गुड्स हैं नहीं हैं नहीं पता लेकिन वो ही अब ओनर है इट इज यूज इन द दर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स इट ऑथोराइजेज आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी इट्स पोजेसर टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स रिप्रेजेंटेड बाई इट एंड इट सिम्बोलाइजेज द गुड्स एंड कन्फर्स आर राइट ऑन द परचेजर टू रिसीव द गुड्स और टू फर्दर ट्रांसफर समझो बोल रहा है इट इज यूज ऑफ़ गुड्स अब यहां पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे वॉर फिंगर सर्टिफिकेट देखोगे डॉक वॉरेंट देखोगे फिर चीजें क्या होती है कि मान लेते हैं आज मेरा कुछ सामान है उस सामान को मैंने जो है एक शिप में लोड कर दिया है अब मैंने उसको एक शिप में लोड कर दिया है और जो वहाँ का जो डॉक है डॉक क्या होता है जो पानी होता है उसके अगल बगल जो प्लेस होती है उसको हम लोग डॉक बोलते हैं वहाँ पे शिप्स का जो है रिपेयर होता है वहाँ पे जो है गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग होता है तो मैंने जब अपने सामान को एक सेलर है एक सेलर है उसने सामान को बायर के बिहाफ पे दे दिया है उस डॉक के बंदे को जो कि लोड कर रहा है अब डॉक का बंदा सारी की सारी जो क्वांटिटी है उसको मैच करेगा फीचर्स मैच करेगा उसको प्रॉपर लिखेगा उसको साइन करके दे देगा दिस इज़ कॉल्ड वॉरफिंगर सर्टिफिकेट दिस इज कॉल्ड डॉक वॉरेंट सिमिलरली जब शिप पे उस डॉक से शिप पे लोड हो जाता है सामान तो जो शिप का कैप्टन है वो या फिर उस उसने जिसको भी ऑथराइज किया है वो साइन करके दे देगा टाइटल कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर गुड्स आपके पास नहीं है यानी कि इस केस में मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं समझिए बात को फाइनली मैं यहाँ पे इंडिया में रहती हूँ दुबई से किसी एक बंदे ने मेरे को सामान दिया अब सामान आने में मेरे पास लगेगा. हो सकता है एक महीना लग जाए राइट अब गुड्सन में नहीं है लेकिन जो वो कैप्टन है, है वो मेरे बिहाफ पे एक टाइटल ऑफ गुड्स फाड़ करके दे देगा और साइन कर देगा अब मेरे पास ओनरशिप है दुबई वाले के पास नहीं उस शिप वाले के पास नहीं जिसके पास पोजेशन है मेरे पास पोजिशन नहीं है लेकिन मेरे पास ओनरशिप है अब यहाँ पे एक महीने तक में किसी के साथ भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मैं आपको सेल कर दूंगी भले मेरे पास सामान नहीं है मेरे पास मेरे पास मेरे पास एंडोर्स करने का सामान को राइट है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है राइट अच्छा जी ये हो गया इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे मैं, मैंने जो है जिस भी तरीके से डॉक वारंट वाले को डॉक वाले को या फिर शिप कैप्टन को अपने गुड्स दे दिए तो उसके पास पोजेशन है अब उसके पास राइट है कि वो किसी भी तरीके से अपने हिसाब से उसको डील कर सकता है रख उठा सकता है कुछ भी जो है रिस्क है वो नहीं उठाएगा वो डील कर सकता है एज ही वॉज द ओनर ऑफ द गुड्स राइट सो इट इज यूज इन दर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन प्लस मेरे पास अगर पोजेशन नहीं भी है गुड्स का तो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स है तो ये सिम्बोलाइज करता है कि मैं आगे उसको आगे एंडोर्स कर सकती हूँ और जिस बंदे ने इन द गुड फेथ परचेज किया है मुझसे उसको सारे के सारे राइट्स मिल जाएंगे राइट तो ये है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें है आपका डॉक वॉरेंट बिल ऑफ लीडिंग वेयर हाउस सर्टिफिकेट यहां आपको नीचे दिखेंगे कही ना, कहीं कहीं ना ये देखिए क्या होता है बहुत important है बहुत और अभी आप मेट सर्टिफिकेट पढ़ोगे इन दोनों में पढ़ोगे बिल ऑफ लीडिंग मतलब होता है इट इज इशूड बाय कर एंड साइंड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप तो जैसे कि मैंने अपने सामान को उनको पोजीशन में दे दिया अब वो किसी भी तरीके से उससे डील करें बस वो मुझे जो है एक बिल ऑफ लीडिंग साइन करके मेरे को दे देंगे राइट अच्छा दूसरा डॉक वॉरेंट डॉक वॉरेंट का मतलब होता है कि जो सामान डॉक पे रखा हुआ है इट इज इशूड बाय अ डॉक ओनर व्हिच गिव्स डिटेल्स ऑफ द गुड्स गुड्स एंड सर्टिफाइज द द द आर हेल्ड इट टू ऑर्डर ऑफ पर्सन नेम्ड इन इट इट द पर्सन होल्डिंग इट टू रिसीव द पोजिशन ऑफ द गुड्स यानी कि अगर मैंने जो है मैं सेलर हूं मैं दुबई की सेलर हूं दुबई के सेलर ने गुड्स जो है डॉक पे रखवाए और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है तो जो डॉक वॉरेंट वाला है वो मेरे नाम से एक चिट्ठा फाड़ के दे देगा कि ये ये सामान है अब ये तुम्हारा है भले पोजीशन तुम्हारे पास एक महीने बाद आएगा जब भी क्रूज वहां तक पहुंचेगी ठीक है इसी तरीके से सिमिलरली आपका दोस्तों ये होता है क्या बोलते हैं रेलवे रिसीट यानी कि आप रेलवे से सामान भेजते हो जैसे आप शिप से सामान भेजते हो तो रेलवे रिसीट होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है वॉरेंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन द दर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन प्लस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं उसको एंडोर्स कर सकती हूं मैं मेरे पास गुड्स नहीं है फिर भी मैं एंडोर्स कर सकती हूँ राइट अच्छा जी ये जो है आपको अभी नीचे मिलेगा तब आप इसको पढ़िएगा ज ओनली इलेस्ट्रेटिव जो ऊपर हम लोगों ने लिस्ट देखी कि इतने सारे सर्टिफिकेट देखे वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव है उसमें वैसे ही जिसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में शामिल कर सकते हैं एनी अदर डॉक्यूमेंट विच हैज द अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो फिल फॉल अंडर द सेम कैटेगरी दो अ बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रिसीट इज नॉट अच्छा अब एक नई चीज आ गई है आपको यहां पे इन सबको याद करना है सबको बिल ऑफ लेडिंग डॉक वॉरेंट वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट वॉर फिंगर सर्टिफिकेट आप देख सकते हो वॉर्फ का डेफिनेशन क्या होता है वॉर्फ का मतलब भी डॉक जैसा ही कुछ चीज होती है तो वहां पे जो वॉर्फ बैठा होता है वो सर्टिफिकेट देता है इट्स कॉल्ड फिंगर सर्टिफिकेट रेलवे का ओनर जो है आप सामान डालते हो तो आपको रसीद देता है दैट्स कॉल्ड रेलवे रिसीड ठीक है ठीक है

लेकिन पे मेट रिसीट की बात करें कि है कि मेट रिसीट जो डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफ गुड्स में नहीं आता है क्यों मेट रिसीट व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड शिप आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड कंडीशन बिल ऑफ लीडिंग इज प्रिपेयर्ड एंड इशूड बेस्ड ऑन टू कैरेज इट नॉट गारंटी कैरेज ऑफ गुड्स देखो भैया बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग तब इशू करता है जब कैप्टन के पास हमारा सामान पहुंच चुका है और अब रवाना हो रही है जर्नी में हमारे गुड्स राइट मेट रिसीट का मतलब होता है कि बस सामान अनलोड हुआ ही है और वहां पे एक बंदा मेट रिसीट दे रहा है अभी मेट रिसीट के बेसिस पे बिल ऑफ लेडिंग बनना बाकी है तो मेट रिसीट और कुछ नहीं है मेट रिसीट तो बस एक एक्नोलॉजमेंट है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया है आपके सामान का लेकिन जब वो बिल ऑफ लेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो डॉक वॉरेंट सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा अपने गुड्स की कैरेज के टाइम पे तब वो कैरेज ऑफ गुड्स की आ, आपको गारंटी देगा और तब डॉक्यूमेंट ऑफ़ टाइटल ऑफ गुड्स होगा अभी तो आपके पास खुद ही डॉक्यूमेंट है अभी तो आपके पास खुद ही सामान है वो लोड हुआ ही नहीं है कैरेज हुआ ही नहीं है तो ये डिफरेंस है मेट रिसीट में और बिल ऑफ रीडिंग में

देखो एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी कि मेरे पास वो सामान की ओनरशिप है इस रिमोट का इसका ये अगर मेरे पास सामान नहीं है इसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इनवॉइस मेरे पास है यानी कि ये मेरा है आज मेरे पास ये सामान नहीं भी आया है मेरे पास इसका इनवॉइस है तो मैं चाहूँ तो उसको सेकंड हैंड सेल कर सकती हूं जब सामान आएगा तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगी इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एक दूसरा होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स ऑफ नहीं फॉर एक्साम्पल आपने शेयर वॉरेंट का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है शेयर वॉरेंट क्या होता है शेयर वॉरेंट बेसिकली क्या होता है ना uh, कि एक वॉरेंट आपको एक रसीद दी जाती है और बोला जाता है कि आज आपने पैसे दे दिए हैं आज आपको शेयर वॉरेंट इशू कर दिया गया है लेकिन आपको जो शेयर्स हैं आपको जो शेयर्स हैं वो 40 दिन बाद मिलेंगे एक्चुअल में तब आपका शेयर वॉरेंट शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है अभी आपके पास शेयर्स की ओनरशिप नहीं है आपके पास शेयर्स ही नहीं हैं, ना ओनरशिप है अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है तो आज आप शेयर को एंडोर्स कैसे कर सकते हो तो ये बहुत बेहतरीन टेस्ट है यानी कि अगर आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है की नहीं ये चीज़, तो आप कि की आप पास है की नहीं, है? ये में नहीं होता है तो शेयर वॉरेंट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टाइम कम्स द शेयर वॉरेंट गेट्स कन्वर्टेड टू शेयर ऑन दैट डे यू विल द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ एक्सवाइजेड थिंग्स ऑफ एंडोर्समेंट So Please, इसको पढ़ लीजिएगा मैंने पूरी चीजें बता दी हैं, वरना, हो जाएगा। में हम आगे बढ़ रहे हैं और मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है तो अभी आप बीच बीच में बहुत सारी चीजें देखोगे कभी कभी क्या होता है कि आ, आपको कंसाइनमेंट आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में का मतलब मैं कंसाइनर हूं मैं एक कंसाइनी को अथॉरिटी दे रही हूँ कि भाई तू मेरे बिहाफ पे मेरे गुड्स सेल कर दे और जितने सामान सेल नहीं होंगे मेरे को वापस दे दियो तो इसको बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज एन एजेंट ही इज ऑथराइज टू ओनली सेल सेल गुड्स उसको मैंने कंसाइन कर दिया है फॉर द ऑफ जैसे कि ऑक्शनियर हो गया कंसाइनी हो गया ब्रोकर हो गया तो कंसाइनमेंट में आप देख रहे हो कि यहां एक सेलर है मैं सेलर हूं मुझे कंसाइनर बोला जाएगा मैंने एक एजेंट को दे दिया है कंसाइनी को दे दिया है और वो आगे मेरे बिहाफ पे बायर को देगा और जितने सामान जितने सामान दोस्तों वो सेल नहीं कर पाया वो मेरे को वापस कर देगा सो दिस इज कॉल्ड अ मर्केंटाइल एजेंट याद रखिएगा ये सेल नहीं होती है राइट right? इसीलिए ये दिया हुआ है अभी भी हम दोस्तों ही पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की बिल्डिंग और लैंड वाली प्रॉपर्टी नहीं वो तो इस लेक्चर में इस पूरे के पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में उस, उसकी जगह ही नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि स्पेशल प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी राइट्स राइट्स एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो यहां पे जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहां पे हम राइट right की बात कर रहे हैं यहां पे हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं ठीक देखो दोस्तों यहां पे दो तरीके के आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे पहला होता है आपका जनरल प्रॉपर्टी दूसरा होता है आपका स्पेशल प्रॉपर्टी पहला होता है आपका जनरल प्रॉपर्टी दूसरा होता है आपका स्पेशल प्रॉपर्टी हमें क्या होता है देखो अगर मैंने आपको अपना कैमरा अपना माइक सेल कर दिया आपने मुझे पैसे दे दिए तो आपको मैंने जनरल प्रॉपर्टी दे दी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी है उसको आपको जो करना है करो अचार डालना है अचार डालो मैंने आपको ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर ट्रांसफर कर कर दिया जनरल जनरल प्रॉपर्टी राइट्स दिए लेकिन अगर आपने हायर परचेज पे मुझसे कैमरा लिया हुआ है आप मुझे इंस्टॉलमेंट पे करते हो हर स्पेसिफिक डेट ऑफ द मंथ पे और आपको मुझे मैं राइट टू यूज दे रही हूं दैट्स कॉल्ड ट्रांसफरिंग द स्पेशल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी तो यू कॉन्टिन्यू टू यूज द सामान यूज दइटम ओनली टिल द टाइम यू हैव स्पेशल प्रॉपर्टी उसके बाद मैं उसको वापस ले लूंगी राइट तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी हेयर मीन्स ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर और देर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर राइट सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर और देर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप यानी कि सेल या फिर एग्रीमेंट टू सेल लेकिन पूरी की पूरी सेल ओनरशिप को सेल करना या फिर ओनरशिप का एग्रीमेंट टू सेल करना फ्यूचर में दैट्स कॉल्ड जनरल प्रॉपर्टी देना एंड नॉट मेयरली स्पेशल प्रॉपर्टी अब आइए आगे पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी दैट इज ऑल ओनरशिप एवरीथिंग रिस्क रिवॉर्ड टाइटल एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड नोट दैट द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी रखी हुई है. अब आप उस वक्त के लिए अंगूठी पहन रहे जब मैं आपका लोन आपको तो भी, भी ले लूंगी तो जनरल ट इज द्लेजी हुइट टू रिटेन द गुड प्लेज इज द पेमेंट ऑफ स्टिप्लेटेड ड्यूज देखो यहां पर हायर परचेज आता है कहने का मतलब हायर परचेज में क्या होता है ना कि मैंने जो है Uh, कहने का मतलब कि मैंने आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया हुआ है वो सामान मैंने आपको यूज करने के लिए दिया और जब तक आप हायर परचेज का मेरे को एग्रीमेंट हायर परचेज का आप मेरे को इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तब तक आपके पास स्पेशल राइट है उसको यूज करने का लेकिन जो ओनरशिप है वो मेरे पास है राइट अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी लग रहा है कि ये चीज़ें अलग से दी हुई हैं एक होती है जनरल प्रॉपर्टी जिसका मतलब राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स जनरल और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लिखा हुआ है द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स

राइट right. अब कहने का मतलब क्या होता है कि हायर परचेज की अगर हम बात करें तो हायर परचेज में क्या होता है कि ई एक होता है ई एम आई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट उससे हायर परचेज कभी कंफ्यूज मत होना ई जो होता है वो एक्चुअल सेल होती है फॉर एग्जांपल तुम ई भर रहे हो भले तुमने पूरे ई नहीं भरे हैं तुमने पहला डाउन पेमेंट किया है पहला ई भरा है आज से ही तुम्हारे पास जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी सब ट्रांसफर हो गई है अगर हम हायर परचेज की बात करें तो जो हायर परचेजर होता है हायर परचेजर जिसने परचेज किया है वो मेरे को इंस्टॉलमेंट देता है और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होती है अगर उसने वो भी पे कर दिया तो जो ओनरशिप है जनरल वो ट्रांसफर हो जाती है तब तक के लिए उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है राइट तो ये आपने देख लिया नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इंसॉलमेंट की इंस्टॉलमेंट का मतलब ऐसा होता है इंस्टॉलमेंट एक ऐसा इंसान होता है जिसकी जो एसेट्स होती हैं वो कम हो चुकी होती हैं उसकी लाइबिलिटीज से जनरली हम लोग करंट एसेट्स लाइबिलिटीज की बात करते हैं यानी कि जितनी भी मेरी लाइबिलिटीज आ रही हैं एज एंड वेन ड्यू मैं उसको पे करने के काबिल ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास असेट ही नहीं है कि उसको मैं बेच सकूँ या फिर मेरे पास कैश ही नहीं है यानी कि अ पर्सन हु सीजेस टू बी एबल टू पे हिज डेट इन द दर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बिकम्स एन इंस्टॉलमेंट हिंदी में इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है प्राइस का मतलब क्या होता है प्राइस का मतलब होता है यार किसी भी चीज को सेल कर रहे हो तो दूसरी प्रॉपर्टी तुमको पैसा देगी प्राइस देगी करेंसी देगी मनी देगी दैट्स कॉल्ड प्राइस हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए आप काइंड में नहीं दे सकते हो गुड्स का एक्सचेंज गुड्स में करोगे तो दैट विल नॉट बी अ मॉनेटरी कंसिडरेशन दैट विल ओनली बी ओनली बी ओनली बी अ बार्टर सिस्टम विच इज नॉट कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स की तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन जो कि बायर स्टिपुलेट करता है अगर बायर के क्वालिटी के हिसाब से स्पेसिफाइड गुड्स नहीं मिल रहे हैं उसको अगर उसने ऑर्डर दिया हुआ है तो वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है और ही इज ही कैन ऑब्वियसली मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वो जो है मना कर सकता है और डैमेज ले सकता है आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की अब यहां पे आप समझेंगे कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं जो कि यहां तक चलता आएगा ठीक है आइए पहले मैं चाहती हूं कि आपको डिफरेंसेज बता दू थोड़े बहुत देखो यार अगर आज मैं एज अ बायर सारी की सारी प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर कर देती हूं तुमको तो दैट्स कॉल्ड सेल दैट्स कॉल्ड सेल प्योरली लेकिन अगर आज मैं ये कहती हूं कि जो प्रॉपर्टी है इस माइक में ये माइक की जो प्रॉपर्टी है जो ओनरशिप है वो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आपको मिलेगी जैसे कि हायर परचेज या फिर बाद में फ्यूचर डेट में जब एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स आएगा तब मिलेंगी दैट्स कॉल्ड अगेन एग्रीमेंट टू सेल तो ये दो चीजें होनी चाहिए या तो इनमें से कुछ भी होना चाहिए या तो एक कुछ कंडीशन मीट करनी हो अभी भी तब आपको मिल जाएगा तो दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल अभी और या तो हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो गुड्स बाद में एग्जिस्ट करेंगे दैट्स अगेन एग्रीमेंट टू सेल अच्छा एक बात बताओ जो सेल होती है वो किस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट है एक्जीक्यूटरी यूनिलेटरल बायोलेटरल या फिर एग्जीक्यूटेड मैम सिंपल सी बात है बायर ने पैसे दे दिए होंगे कोई कंडीशन अभी नहीं है तो सेल भी कर दी होगी ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया होगा दिस इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में अभी ये एग्जीक्यूटरी है एग्जीक्यूटरी है यानी कि कंसिडरेशन हो सकता है पे करना बाकी हो सामान हो सकता है देना बाकी हो तो यूनिलिटरल या फिर बायोलिटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या एग्रीमेंट टू सेल ठीक है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ये रेमेडीज वगैरह पे हम बाद में आएंगे थोड़ा सा एडवांस है हम पहले ऊपर की बात करते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल मैंने लिखा हुआ है एनालिसिस देखो इन सबको छोड़ दो इस सबको छोड़ दो ये रिपीटेड कंटेंट है आप एनालिसिस देखो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल देखो जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आज का भी हो सकता है वो फ्यूचर का भी हो सकता है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेल फ्यूचर के लिए है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल सो अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना दो तरीके का होता है सेल हो सकता है एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है याद रखिएगा इट कैन बी सेल इट कैन बी एग्रीमेंट टू सेल सेल क्या होता है सेल में आपको इमीडिएटली आपके गुड्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इट इज डिफाइंड इन सेक्शन फोर सबसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली इट्स कॉल्ड अंट्रैक्ट ऑफ सेल बट एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करें हेयर इट्स नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली इट्स नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर हम सोच रहे हैं हम चाह रहे हैं इंटेंड कर रहे हैं टू ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सर्टन कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी या तो सामने वाले पैसे नहीं दिए होंगे या फिर मेरा गुड्स ही एक्सिस्टेंस में नहीं होगा तो जब कंडीशन हो जाएगी तो इंटेंशन है इंटेंशन है आज लेकिन सेल बाद में होगा

हो गया तो उसको वो एग्रीमेंट सेल अब एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो गया और गुड्स ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफ सेल गुड्स में क्या आता है दोस्तों एक्चुअल सेल सेल भी भी आ आ सकती है agreement to sell भी आ सकता है एग्रीमेंट टू सकता तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का होना जरूरी है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 तो पहला है ये दूसरा है ये यहां पे कुछ मैंने आपके लिए बातें लिखी हुई है उसके बाद आपके पास छह पॉइंट और हैं आइए देखते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं भैया सिंपल सी बात है यार एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो सबसे पहले दो पार्टीज का होना जरूरी है सबसे पहले आपकी दो पार्टीज का होना जरूरी है राइट right? ऑफ कोर्स एक सेलर होगा एक बायर होगा क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को और सेलर और बायर अकेले एक पर्सन नहीं अलग अलग पर्सन होने चाहिए यानी कि कम से कम दो पर्सन जरूर होंगे ऑफ कोर्स ये लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए ये बात यहाँ पे लिखी नहीं हुई है मैं इसको हटा देती हूँ ये बात यहाँ पे लिखी नहीं हुई है क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे के सारे प्रोविजन यानी कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लीगालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लीगालिटी ऑफ कंसिड्रेशन ठीक है म्यूचुअल कंसेंट ये सब अप्लाई होता है सेल्स ऑफ कोर्ट्स पे भी तो दो लोगों का होना बहुत जरूरी है वैसे ये बात भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का इट शुड बी ओनली 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 मूवेबल प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है इट शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी आज सेलर के पास हो या फिर सेलर को भी बाद में मिले सेलर के पास क्या पता उसकी प्रॉपर्टी आज हो ही ना तो ये एक कंटेंजेंट गुड या फिर फ्यूचर गुड हो सकता है और याद रखेगा फ्यूचर गुड और कंटेंजेंट गुड की भी आज हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर सकते हैं ये अलाउड है इट्स एन एग्रीमेंट टू सेल नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां मैं में मैंने क्या लिखा हुआ है अच्छा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा ना कि दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए तो ये एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का पढ़ लीजिएगा मैं बता चुकी हूँ नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स ही होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए अब देखो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है मैंने लिखा हुआ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा एक होटल कंपनी थी वो आपको रहने के लिए रूम प्रोवाइड करती है बस खाने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो एक कंसोलिडेटेड चार्ज देती है यानी कि आपका चार हजार रुपये एक दिन का होता है उसमें वो खाना भी देती है कॉम्प्लीमेंट्री अब यहां पे बोल रहा है हेल्ड दैट द सप्लाई ऑफ फूड वॉज नॉट सेल ऑफ गुड्स बट सिंपली सर्विस एज द ट्रांजेक्शन वॉज एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मल्टीपल सर्विस एंड डिड नॉट इन्वॉल्व एनी सेल ऑफ गुड्स यानी कि क्या आप यहां पे ये बोल सकते हो कि जो होटल वाले हैं जो खाना दे रहे हैं वो सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं कल को आप जब इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ोगे ना उसमें ये बात आएगी बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में जब आप जीएसटी पढ़ोगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ोगे कि यार आखिरकार एक जो पैसा दिया है कस्टमर ने चेकआउट करते वक्त पांच हजार

A in 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 money, money not kind, kind. should be paid or promised, but there is nothing to prevent the consideration from being partly partly and part -kind. क्या बात है? बहुत important चीज है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भैया जो पैसा मिलना चाहिए पैसा रुपया मिलना चाहिए सामान मिला तो उसको हम लोग बार्टर सिस्टम मान लेंगे लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ा पैसा और थोड़ा सामान मिल रहा है तो उसको sale मान लेंगे Wow. आइए देखते हैं ड में मैंने क्या लिखा है वेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इट इज नॉट अ सेल बट अटर आप यहां पर लिख लीजिए पार्ट गुड्स हो सकते हैं पार्टली मनी पार्टली गुड्स हो सकता है नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए हायर परचेज में ट्रांसफर होता ही नहीं है जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर दे तो यहाँ पे सेल हुई ही नहीं हायर परचेज सेल नहीं है हायर परचेज सेल नहीं है यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है राइट right? फोर्थ के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है चलो द ट्रांसफर मस्ट बिफोर ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी एस डिस्टिंग्विस्ट फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स लेट सपोज अर्सन ट्रांसफर स्पेशल प्रॉपर्टी लाइफ ब्लॉगिंग कुछ यार मैंने जब बोला है ना तो उसमें वॉइस रिकॉग्निशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है लेट सपोज अ पर्सन ट्रांसफर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑन हायर परचेज और ओनली फॉर यूजिंग ओनली फॉर रेंट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अच्छा चलो

लीगल ऑब्जेक्ट ये सब अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपस में मिले जुले हैं राइट right? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने ऊपर भी लिखी हुई हैं तो ये हो गया ये हो गया अब रेमेडीज की बात करते हैं दोस्तों इसके पहले मैं लेती हूं थोड़ा सा एक ब्रेक राइट सो वी आर कॉन्टीन्यूंग विद रेमडीज ऑफ ब्रीज ब्रीज का क्या मतलब होता है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कोई एक इंसान जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रहा है उसमें जो स्टिपुलेशन दी है कंडीशन दी है उसको जो है वो तोड़ दे रहा है तो आइए समझते हैं कि अगर किसी ने ब्रीज कर दिया सेल में या फिर अग्रीमेंट टू तो सेल में तो उसकी रेमिडीज क्या है उसके हमारे पास आ, क्या बोलते हैं कि रेमिडीज को क्या बोलते हैं यार कोई चोट लग जाती है तो उस पर आप इलाज करते हो ना उसका इलाज क्या है राइट सेलर कैन बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ दू दायर लिया लेकिन उसने आखिरी में आकर ब्रिज कर दिया तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी पास हो चुकी है ओनरशिप पास हो जाती है सेल में इमीजिएटली लेकिन यहाँ पे बायर को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो स्यू कर सकता है वो स्यू कर सकता है बायर कोर्ट में घसीटके ले जा सकता है

हैं हैं वो आज बोल रहा है 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 कि कि भैया मैंने 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 जो जो आपको 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 आपके आपके साथ साथ किया कि महीने बाद मैं आपको बना बना करके जो quotes, अपने से आपको दूंगी मैंने आपके साथ agreement to sell कर लिया रैट? हो सकता है, मैंने कुछ मनी लिया हो डिपॉजिट लिया हो या फिर ना भी लिया हो अब तीन महीने जैसे आता है आपने कैंसिल कर दिया अब इस तीन महीने की वजह से तीन महीने मैंने जो सामान बना दिया है अब वो ऑफ कोर्स बाहर सेल कर सकती हूँ लेकिन मैंने पहले तो मैं नहीं कर पाई तो मैं आपसे प्राइस चार्ज नहीं करूंगी मैं आपको स्यू नहीं करूंगी प्राइस के लिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके पास ट्रांसफर नहीं हुई है हाँ डैमेजेस जरूर स्यू कर सकती हूँ तो लिखा हुआ है कि एग्रीव पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइज अनलिस पेबल एट अ स्टेटेड डेट राइट यहाँ पे एक और चीज होती है कि मान लेते हैं कि मैंने जो है कस्टमर से एक कुछ कंडीशन लिखी थी एकदम स्पेशल प्रोडक्ट बनना था वो स्पेशल बाहर कहीं सेल नहीं हो सकता इस केस में पूरे, की पूरे, की पूरे 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 के के को डैमेज माना जाता है राइट right? नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज की अच्छा जी लाइबिलिटी का मतलब देखो अगर कोई सामान में परचेज करके ले आई अपने घर में वो परचेस के साथ साथ ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर होता है तो जिसका ओनरशिप है उसके पास रिस्क है कल को सामान टूटता है फूटता है कुछ भी होता है आप डिलीवरी मंगवाते हो मान लेते हैं आप एक लैपटॉप फिर किसी मिरर की डिलीवरी मंगवा रहे हो जब तक आप तक डिलीवर नहीं हुआ तब तक आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई भले आप पैसे दे चुके हो अब यहां पे अगर आपको टूटा हुआ सामान मिलता है तो आप वहां पे कंप्लेन करके अपने पैसे वापस ले लेते हो या फिर एक रिप्लेसमेंट मांगते हो लिखा भी होता है एप्स में सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें तो सेल के केस में आपको पता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर हुई उसके बाद कोई भी लॉस हुआ डिस्ट्रक्शन हुआ तो ये

नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ राइट्स की नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ रीसेल की इसको जो है दोस्तों ये वाली चीज जहां पे स्टार मार्क हुआ है और ये दोनों पॉइंट्स अभी हम ऊपर कवर करेंगे वो बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है यहां से मत करिएगा अब मैंने क्रॉस कर दिया है तो इसका ये मतलब ना समझे आप लोग कि ये जो है कोर्स में नहीं है मैंने लिखा है सी द पेज अबव

आइए बात करते हैं नेचर ऑफ राइट्स की इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर की इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर की ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं चलो जी ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में नेचर ऑफ राइट्स की नेचर ऑफ राइट्स यहाँ पे आपको कुछ अल, अलग सी भाषा सुनने को मिलेगी अ सेल क्रिएट्स जस्ट इन रेम क्या लिखा हुआ है अ सेल क्रिएट्स जस्ट इन रेम जे यू एस इन रेम राइट दैट गिव्स राइट टू द बायर टू एंजॉय द गुड्स एज अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज इंक्लूडिंग द सेलर एंड एन एग्रीमेंट टू से बायर अगेंस्ट द सेलर ओनली देखो समझो इस बात को आज अगर मेरे को सेल मैंने सेल कर दी आज मैंने ओनरशिप रिस्क रिवॉर्ड सब ट्रांसफर कर दिया तुमको तुम बायर हो अब तुम्हारे पास राइट है कि तुम उस सामान को अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड अपने हिसाब से यूज करो तुम उसको कहीं और रिपेयर करवाओ तुम उसको किसी और को सेल कर दो वो तुमको पैसे ना दे तो तुम उसको स्यू कर दो जेड में जो करना है करो तो यहां पे जो बायर है जिसको सेल हो चुकी है ही एंजॉयज द गुड्स

जो है हो चुकी है बाकी एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो अगर मैं यहाँ पे एक उस पर्टिकुलर डेट पे सेल नहीं करती हूं तो तुम मुझे डैमेज के लिए स्यू कर सकते हो लेकिन वो सामान अभी भी मेरे पास है एट लार्ज द वर्ल्ड एट लार्ज और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उस गुड्स का तुम वो किसी और को सेल नहीं कर सकते हो वो तुम कहीं रिपेयर नहीं करवा सकते एटसेट्रा तो यहां पर तुम्हारे पास राइट है लेकिन पर्सनल राइट है सिर्फ एक सेलर के साथ तो जस्ट इन राइट और ऊपर में क्या है वर्ल्ड के साथ राइट है वर्ल्ड के साथ राइट है तुम्हारा उस गुड्स को लेकर के जस्ट इन रेम राइट राइट नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर यार बायर कभी कभी इंसॉलवेंट हो गया तो क्या होगा कभी सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा ध्यान सुनिएगा अब होगा क्या कि सेल के केस में बहुत ध्यान सुनिएगा ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में बिल्कुल कचड़े की तरह दिया हुआ है कुछ समझ में नहीं आएगा ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब यार मान लेते हैं कि एग्रीमेंट टू मान लेते हैं सेल सेल है sale है और जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया बायर इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन सेल हो गई ठीक है आइए देखते हैं इन अ सेल इन अ सेल ध्यान रखिएगा सेल ओनरशिप रिस्क सब ट्रांसफर इन अ सेल इफ द बायर बायर इफ द बिकम्स सेल हो गई है बायर इंसॉल्वमेंट है हो सकता है अभी उसने पैसे ना दिए हो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए मैम ये तो सेल है यहाँ पे तो सब कुछ हो चुका है भैया सब कुछ हो चुका है लेकिन कभी कभी होता है ना कि तुमने सेल कर दी लेकिन अभी पैसे नहीं मिले डेटर क्यों आता है डेटर क्यों आता है भाई बैलेंस शीट में क्यों आता है डेटर क्योंकि तुमने सेल कर दी है एग्रीमेंट टू सेल नहीं तुमने सेल कर दिया है ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तुम्हारे बुक्स में वो सेल बन गई लेकिन पैसे नहीं आए हैं तो मान लेते हैं कि तुम्हारा डेटर इस केस में इंसॉल्वेंट हो गया है इसके पहले कि उसने पे किया है गुड्स ऑफकोर्स तभी वो डेटर है तो हे द सेलर इन द दबसेंस ऑफ लियन ओवर गुड्स मस्ट रिटर्न देम टू द ऑफिशियल रिसीवर और एसाइनी कैन ओनली क्लेम अ रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स वेयर एज चलो इतना समझो बायर इंसॉल्वेंट हो गया बायर के पास सामान जा चुका है राइट अब जब बायर जो है उसके पास सामान जा चुका है तो आपने अब तक मुझसे पढ़ा है कितनी बार कि एक चीज होती है ऑफिशियल अब वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है उसने तुमको पैसे नहीं दिए तो तुम पूरी दुनिया की तरह उसके एक मात्र एक अग्रीव पार्टी होगी तुम मैंने तुमने सामान भी दे दिया तुमको पैसे भी नहीं मिले और वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया अब तुमको पता होगा ना कि तुम सामान वापस नहीं ले सकते क्यों क्योंकि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो चुकी है अब मैम सामान कौन लेगा आपने पढ़ा होगा ऑफिशियल जो लिक्विडेटर होता है वो सारा का सारा सामान जब्त कर लेगा बायर का वो अपने हिसाब से उसको सेल करेगा वो सरकारी बंदा होता है वो अपने हिसाब से उसको लेगा करेगा करेगा सेल करेगा और सब में बांटेगा तो तुम एज अ सेलर तुम सामान को नहीं ले सकते तुम्हारा कोई राइट ऑफ लियन अधिकार नहीं है लियन का सामान लेने का उन गुड्स के ऊपर क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है हाँ, आपको एक रेटेबल डिविडेंड मिलेगा इसका मतलब क्या है होता क्या है ना कि आप जब बड़े हो जाओगे तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोर्ट की धारा पढ़ोगे आईबीसी पढ़ोगे उसमें लिखा क्या है कि मान लेते हैं कि अगर मैं बायर हूं और मैं इंसॉल्वेंट हो गई मेरे सारे सामान जब्त कर लिए जाएंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर सरकारी बंदा होता है जब्त कर लेगा वैल्यूअर होता है वो सब चीज़ की वैल्यू करेगा उसको सेल करेगा वो देखेगा कि किसका 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 पैसा जो है सरकार का टैक्स बचा हुआ है क्रेडेटर का पैसा बचा हुआ है इस गरीब का पैसा बचा हुआ है इसका पैसा बचा हुआ है तो वो उस हिसाब से उसको बांटेगा तो एज अ क्रेडिटर यहां पे एज अ सेलर ऑफ गुड्स अब तुम कुछ नहीं कर सकते लियन नहीं ले सकते क्योंकि जो लियन है वो आपका एसाइनर के पास चला जाएगा तुम अब कुछ नहीं कर सकते तुम बस इंतजार करो कि वो असाइनर है वो तुमको बांट करके शेयर हिस्सा डिविडेंड देगा उसका लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर आपका बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है ऑफ कोर्स उसने प्राइस नहीं पे किया होगा आपने सामान नहीं दिया होगा सामान दो ही मत यू आर नॉट बाउंड टू पार्ट विद द ओनरशिप ऑफ द गुड्स एज सिंपल एज दैट तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारा सेलर सेलर ही इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गया इन अ सेल इफ द द द द द बिकम्स बायर ओनर इज टू रिकवर गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर वेयर समझो इस बात को मान लेते हैं कि सेल हो गई है तुम बायर हो तुमने मेरे को पैसे दे दिए कभी कभी होता है ना कि तुम शोरूम में पैसे दे, दे देते हो गाड़ी तुम्हारे पास बाद में आती है तो तुमने पैसे दे दिए हैं तुम ओनर कौन है ओनर कौन है दोस्तों याद रखना याद रखना कि आप अगर कहते हैं ना डिलीवरी डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज़ नॉट इक्वल टू ओनरशिप मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आ गया है तो आप ओनर हो गए हो भले आपके पास सामान डिलीवर ना हुआ हो तो मान लेते हैं एक केस कि मैं सेलर हूं आप बायर हो ना आपने जो है पैसे दे दिए हैं मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स दे दिया है आप ओनर हो आप ओनर हो भले में सिर्फ ट्रांसफर नहीं हुआ है सिर्फ डिलीवर आपके घर तक गाड़ी पहुंची नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ओनर नहीं हो आप ओनर हो तभी तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आया है इस केस में मान लेते हैं कि मैं इंसॉल्वेंट हो गई गाड़ी मेरे शोरूम में है ऑफिशियल लिक्विडेटर आ रहा है मेरा सामान जब्त कर रहा है तो वो जो गाड़ी है जिसकी सेल हो चुकी है वो किसके पास जाएगी सोचो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास नहीं जाएगी दोस्तों क्यों क्योंकि वो अब सेलर 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 की है है, है, ही नहीं। का का जो सामान होता होता जिस पे का हक होता है, सिर्फ वही तो ऑफिशियल लिक्विडेटर लेकर के जाएगा ये तो सिर्फ मेरे पास रखी हुई थी मुझे आपको डिलीवर करनी थी तो यहाँ पे जो सेलर है जो बायर है आप हो यू कैन यू आर एंटाइटल टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द शोरूम ऑफ द सेलर नेक्स्ट इन एन एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं देखो एग्रीमेंट टू सेल की सेलर ओनली क्लेम रेटेबल तो कहने का मतलब दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल हुआ है भले तुमने पैसे दिए हो ना दिए हों देखो नहीं दिए होंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है और तुमने एज अ बायर पैसे दे दिए हैं तो याद रखना एग्रीमेंट टू सेल केस में प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं है अभी भी बायर के पास है प्रॉपर्टी तो यहां पर ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा लेकर के चला जाएगा क्योंकि वो अभी भी सेलर की ही है एग्रीमेंट टू सेल होना बाकी है तुमको तुमने अगर प्राइस दे दिया है तो अब तुम क्या करोगे तुम झक मार के बैठोगे जैसे यहां पे ऊपर वाले केस में सेलर झक मार के बैठता था और तुम अब वेट करोगे कि हे ऑफिशियल लिक्विडेटर मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे राइट तो ये चार कंडीशंस थी आपको पढ़नी पड़ेंगी तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वर्क एंड लेबर पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बहुत थोड़ी बहुत बातें बची हुई है राइट right? आइए देखते हैं Uh, sale distinguished from other similar contracts. मतलब एक तो हम लोगों ने सेल और एग्रीमेंट टू तो सेल का बीच का डिफरेंस देखा अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम लोगों को बाकी कॉन्ट्रैक्ट से भी इसको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत पड़ी एक्चुअली होता गया ना कि बहुत डाउट हो रहा था बहुत कंफ्यूजन हो रहा था एक होता है हायर परचेज अभी आप बेलमेंट पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क पढ़ोगे तो काफ़ी आपको सिमिलैरिटी लगेगी लेकिन आपको समझना है कि वो सेल नहीं है सेल से अलग है आइए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल और हायर परचेज को तो यहां पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं देखो यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ठीक है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है ये अलग हो गया है आपका और ये सेल एंड हायर परचेज की पूरी की पूरी की पूरी हम बात करने जा रहे हैं उसके बाद हम बेलमेंट की बात करेंगे तो आइए बात करते हैं सेल एंड हायर परचेज की सबसे पहले मेरे कॉन्सेप्ट पे आइए ठीक है कॉन्सेप्ट यहां पे मैं लिख देती हूं सी कॉन्सेप्ट बिलो फर्स्ट

मैं ओनर ऑफ द गुड्स हूँ लेकिन मैंने उसको आपको हायर पे दे दिया है हायर परचेजर मैंने उसको आपको हायर पे दे दिया है आपको बोलते हैं हायरर या फिर आपको बोलते हैं हायर परचेजर क्यों आप मेरे कोई दोस्त लगते हो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो आप जो है मेरे को रेंट दे रहे हो आप मेरे को टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट रेंट का पे कर रहे हो ठीक है और मैंने एक एग्रीमेंट किया है कि जब सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगी सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगी मान लेते हैं कि 36 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इस माइक की ओनरशिप दे दूंगी नाउ यहां पे क्या होता है जो हायरर है आप हो आप चाहो तो छत्तीस इंस्टॉलमेंट ना दो आप बीच में ही कभी भी मेरे को वापस कर दो सामान आपकी कोई ऑब्लीगेशन नहीं है कि आप पूरी की पूरी छत्तीस इंस्टॉलमेंट पे करो आप परचेज थोड़ी ना कर रहे हो आप तो हायर परचेजर हो तो आप बैलेंस रेंट अमाउंट ना दो मेरे पास वापस से सामान आ जाएगा टाइटल ऑफ गुड्स तो हमेशा मेरे ही पास था मैंने सिर्फ आपको स्पेशल प्रॉपर्टी दे रखी थी ठीक है नाउ हायर परचे एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट ओनली अ बेलमेंट एंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स टू द ओनर ड्यूरिंग द कॉन्टीन्यूएस ऑफ दिस पेमेंट दैट इज बेलमेंट प्लस एग्रीमेंट टू सेल बेलमेंट क्या होता है बेलमेंट बेलर बेली सुना होगा तो बेलमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ स्पेशल राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप यूज कर लो लेकिन जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे हायर परचेज का तब तक जो है हम आपको सामान की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि सेल नहीं है ये ये बेलमेंट है हायर परचेज है हाँ इसमें बेलमेंट के साथ साथ आखिरी में एक एग्रीमेंट टू सेल है सेल में क्या होता है आज सेल हो गई इसमें क्या है हायर परचेज चल रहा है और आखिरी का एक एग्रीमेंट टू सेल है आज की डेट में एक एग्रीमेंट टू द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरचेज इज द सेल ऑफ गुड्स अल्टीमेटली रियल ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज इज द सेल ऑफ गुड्स अल्टीमेटली तो जनरली हायर परचेज में यही होता है कि आपको आखिरी में जो है जनरली जो है वो बंदा इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है वो पागल तो है नहीं कि वापस तुमको सामान दे दे तो वो पे ही कर देता है कभी कभी नहीं पे करता है तो अलग बात है कभी कभी नहीं भी पे करता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है बट अल्टीमेटली जो बंदा पैंतीस इंस्टॉलमेंट दे चुका है पूरा का पूरा माइक का चालीस हजार दे चुका है वो ऑफकोर्स बात है कि वो पांच और दे देगा ठीक है मैंने ई एम आई और हायर परचेज एग्रीमेंट नो ओनरशिप ट्रांसफर पहले ही हो जाती है आप ई एम आई पे कुछ सामान लेते हो आपने ई एम आई पे एसी ले रखा है एसी आपके घर में सबसे पहले आ गया है अब आप नहीं पे कर रहे हो वो अलग बात है लेकिन ई एम आई एक हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन 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 टू सेल अभी ही है इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन सेल्फ रिस्क ओनरशिप एवरीथिंग देखिए ये टेस्ट की बात है मैंने कहा है कि भैया सी अबव नोट्स फॉर दिस बट ये टेस्ट आप यहां से पढ़िएगा कैसे समझोगे आपकी सेल है हायर परचेज है क्या है यार कैसे समझोगे देखो पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर ऑफ टू द पर्सन पर्सन ऑन अ कंडीशन दैट सच दर्सन द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट ये है हायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी नहीं हुआ है ये भी टेस्ट है सच पर्सन हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पास राइट अगर ये तीनों चीज है तो हायर परचेज है क्या बोल रहा है कि पोजेशन ऑफ द गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर पोजेशन ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड बाई दियर में इंस्टॉलमेंट दे दूसरा आखिरी टाइम पे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तभी पोजेशन ट्रांसफर होगा तीसरा जो हायर हायर है उसके पास पूरा का पूरा हक है कि वो टर्मिनेट कर सकता है अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है कोई भी चीज नहीं है कोई भी एक चीज नहीं है तो वो एक सेल का नाम हो जाएगा राइट अच्छा

टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी सबको पता है हायर में आखिरी इंस्टॉलमेंट सेम में सेल में इमीडिएटली हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पोजीशन क्या है पार्टी का ओनर कौन है पोजीशन क्या है मैं कौन हूं सेल के केस में बायर ओनर है लेकिन हायर परचेज केस में वो ओनर नहीं है वो अभी बेली है टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि ये एक बेलमेंट है बेलर बेली तो पोजीशन ऑफ हायर इज दैट ऑफ बेली बेलर कौन है जो सामान दे रहा है बेली कौन है जिसके पास सामान है वो अभी बेली है वो ओनर नहीं है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे होता तो याद बेलमेंट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर बायर ने टर्मिनेट कर दिया तो यहां पे उसको डैमेज पे करना पड़ेगा प्राइस भी लेना पड़ेगा एग्रीमेंट ऑफ सेल के, के केस में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ डैमेज राइट तो डैमेज यहां देना पड़ेगा और वो एक्चुअल में टर्मिनेट नहीं कर सकता है टर्मिनेट करता है तो उसको ब्रीच का ड्यूटी पे करना पड़ेगा ब्रीचेस का सिबिलिटी उसके हाथ में है लेकिन यहां पे क्या है कि अगर वो चाहे तो रिटर्न करता है सामान है, को बोल सकता है कि भैया अब मेरे पास पैसे नहीं है मेरे को हायर परचेज की जरूरत नहीं है आप अपना सारा सामान ले लो मैं रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट नहीं नहीं पे पे करूंगा कोई यहां पे ब्रीच नहीं होगी टर्मिनेट कर सकता है क्योंकि पहले से ही पता है हायर परचेज की एग्रीमेंट की कंडीशन से यही होती है नेक्स्ट बात करते हैं बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर हे भगवान फिर से आ गया बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर मान लेते हैं कि सेल हो गई है ठीक अब सेल के केस से में बायर हो गया अभी इंसॉल्वेंसी हो गई यह मुझे समझने दो थोड़ा सा बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर रिस्क बायर द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर देखो भैया जब सेल हो गई थी आपने ऊपर पढ़ा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी और तुम ठहरे बेचारे बेवकूफ बायर तुमने अभी तक पैसे लिए नहीं अब वो बंदा इंसॉलवेंट हो गया है तुमको पता है कि ऑफिशियल असाइन उसका सामान लेकर के चला जाएगा क्योंकि सेल पे टाइटल ऑफ गुड्स तुम्हारे पास नहीं है तो अब तुम क्या कर सकते हो तुम जो है लॉस बियर करोगे बेचारे तुम राइट अच्छा अब एग्रीमेंट की बात करते हैं एग्रीमेंट की बात करते हैं इसको मैं हटा देती हूँ एग्रीमेंट टू हायर परचेज की बात करते हैं हायर परचेज में क्या है द ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ द दायर फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट ओनर हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स तो कहने का मतलब जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना इंसॉलवेंसी ऑफ बायर सेलर इतने अच्छे से पढ़ लिया कि ये बहुत ही आसान लग गया राइट ट्रांसफर ऑफ टाइटल टाइटल का मतलब होता है बेटा ओनरशिप लिखो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप और जब टाइटल ट्रांसफर होता है ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर होता है तो सेल के केस में ट्रांसफर हो जाता है बोनाफाइड ट्रांसफर होता है बोनाफाइड का मतलब बेटा क्या है

तुम हाईवी हो तुमने मेरा माइक हायर परचेज पे लिया हुआ है तुम खुद मुझे इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तुम किसी और को सेल कर दोगे कभी नहीं कर सकते तो कितना ही भला इंसान एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं ना सती सावित्री कहने बहुत ही ऑनेस्ट इंसान बहुत ही बोनाफाइड बोनाफाइड का मतलब ऑनेस्ट इन गुड सेंस गुड सेंस में रियल सेंस में एक बंदा आ रहा है वो आपसे परचेज कर रहा है उसने परचेस भी कर लिया फिर भी आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये ना लाया कि इससे तुम डैमेजेस लो क्योंकि ये सामान खुद इसका नहीं है ये किसी और से हायर परचेज करके लेकर के आया है रीसेल की बात करें अगेन वही बात है जो बायर होता है वो रीसेल कर सकता है हायर परचेज नहीं रीसेल कर सकता है अंटर एनलिस उसने जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं कर दी है आखिरी इंस्टॉलमेंट तक नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों हम सेल एंड बेलमेंट की ठीक है बेलमेंट 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 देखो भाई एक बात करते हैं बेलमेंट एक एग्जांपल देती हूं मैं बेलमेंट का बेसिकली यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्या सेल एंड बेलमेंट के बारे में यार कहने का मतलब है कि अगर आप ए, किसी को सामान दे रहे हो कैरेज करने के लिए तो आप उसको सामान की ओनरशिप नहीं दे रहे हो सिर्फ आप उसको फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रहे हो तो उसको बेलमेंट कहते हैं राइट एक एग्जाम्पल है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन द सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न पर्पज इज एक्म्पलिश टू द बेलर यहां पे कंसाइनमेंट ऑफ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है राइट right? मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल इन द नोट्स अब अच्छा इसका बेलमेंट का एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से कंसाइनमेंट भी है मैंने कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऊपर मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था मैंने अपने कंसाइनी को कंसाइनी को दे दिया कि भाई तू मेरे बिहाफ पे सेल कर जो सामान रिटर्न करना होगा रिटर्न कर दियो राइट right? तो मैंने कंडीशन दी कि तू मेरे बिहाफ पे सेल कर और द गुड्स आर टू बी रिटर्न When the purpose is accomplished to the बेलर or are to be disposed of according to the directions of the बेलर अब देखो यहाँ पे कुछ बातें बहुत औसम है कहने का मतलब मान लेते हैं कि एक और बेलमेंट का एग्जाम्पल देती हूं मैं मान लेते हैं कि मैंने जो है मेरे पास सोना रखा हुआ तो सोने के बिस्किट रखे हुए थे सोने के मेरे पास बिस्किट रखे हुए थे अब इस सोने के बिस्किट को इस सोने के बिस्किट को मैंने क्या किया एक ज्वेलर था मैंने कहा भैया ऐसा करो आप बहुत सुंदर कारीगरी करते हो बहुत सुंदर सा ज्वेलरी बनाते हो आप मेरा सोने का बिस्किट ले लो सोने का बिस्किट और इसको जो है आप कन्वर्ट uh, कर दो ज्वेलरी में और मेरे को वापस दे दो तो मैंने फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिविटी वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाए वो उसको कलाकारी दिखाए सोने के बिस्किट को वो कन्वर्ट कर दे हार में ज्वेलरी में मैंने सिर्फ इसलिए दिया अब वो कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तो वो मेरे को वो सामान वापस कर देगा राइट तो यहाँ पे गुड्स का बस फॉर्म चेंज हुआ है वो अभी भी 24 फोर कैरेट सोना ही तो दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट बेलमेंट ठीक है नाउ द गुड्स आर रिटर्न वेन द पर्पज इज एक्म्प्लिश्ड टू द बेलर और आर टू डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आप लिख सकते हो और आर टू बी डिस्पोज ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ बेलर यहां पे आप लिख लीजिए कंसाइनमेंट और यहां पे आप लिख लीजिए दे आर टू बी रिटर्न में ज्वेलर को मैम ने ट्वेंटी फोर कैरेट का गोल्ड बिस्किट दिया ज्वेलरी बनाने के लिए पॉज करिए और इन दोनों एग्जाम्पल्स को लिखिए स रिलटेड टू बेलमेंट आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो आपके फाउंडेशन लेवल पे नहीं है याद है स्पेशल प्रोविजन था वो आपका इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा राइट यहाँ पे सिर्फ हम सेल्स ऑफ गुड्स कवर कर रहे हैं यहां पे हम बेलमेंट कवर नहीं कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी में ये कवर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफरेंस कहे आइए देखते हैं सेल और हायर परचेज हो गया अब बात करते हैं सेल और बेलमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी The property in goods is transferred from the seller to the buyer, so, it is the transfer of general property. पता ही है जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है लेकिन बेलमेंट के केस में मैंने आपको सिर्फ स्पेशल राइट्स दिया है जनरल प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पास है चाहे मैं कंसाइनर हूँ चाहे मैं ओनर ऑफ द गोल्ड बिस्किट हूँ मैंने आपको कुछ सेफ कस्टडी के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक भी आता है बैंक को मैं सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए बैंक लॉकर्स में मैं अपना सामान रख के आती हूँ जब वो कंडीशन पूरी हो जाती है टाइम पीरियड पूरा हो जाता है वो मेरे को वापस कर देता है अपनी कुछ कमीशन चार्ज करता है अपना कुछ फीस चार्ज करता है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है भैया तुम मेरे बिहाफ पे बेचो हे कंसाइनी तुम मेरे बिहाफ पे बेचो हे बैंक तुम मेरे बिहाफ

सेल में रिटर्न ऑफ गुड्स नहीं होता है लेकिन बेलमेंट में जरूर 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 अकॉम्पलिशमेंट ऑफ कंडीशन के बाद अकॉम्पलिशमेंट ऑफ द पर्पज के बाद आपको ज्वेलर को वापस कर देना होगा राइट ज्वेलर वापस कर देगा मुझे रिटर्न कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त को अपनी गाड़ी दे रखी है कि भाई तू रख दैट्स ऑल्सो बेलमेंट Now, यहाँ पे मेरा दोस्त मेरे से कुछ नहीं चार्ज करेगा उसके पास ऑलरेडी गराज था मैं कुछ महीने लिए के लिए यूएस तो गाड़ी रख ले मेरी। तो यहाँ पे नॉन ग्रेचुअस है ठीक है एक होता है ग्रेटिट्यूड मतलब से मेरा वो दोस्त है मेरी प्यार मोहब्बत में ग्रेट्यूड में उसने जो है, अपनी गाड़, मेरी गाड़ी अपने पास रख ली है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ कस्टडी राइट तो वो बेलमेंट है वो जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे को रिटर्न कर देगा दैट्स कॉल्ड बेलमेंट लेकिन यहाँ पे सेल में हमेशा मनी 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 की बात होती है मनी पार्टली काइंड हो सकता है ओनली मनी नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा और आखिरी सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर राइट इसके बारे में मैं आपको ऊपर बताती हूँ अगेन ये भी वही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है गोल्ड uh, स्मिथ का एग्जाम्पल दिया ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर यानी कि अभी आप समझोगे कि किस तरीके से मैंने अगर गोल्ड स्मिथ को अपना गोल्ड का सामान दिया हुआ है और वो उस पर कुछ वर्क ऑफ लेबर करेगा या फिर मैंने कैनवस दे दिया है पेंट्स दे दिए है मैंने किसी बंदे को बोला है कि प्लीज पेंटिंग बनाओ मेरी या फिर मेरे घर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर होता है इसको गुड्स नहीं बोलते हैं आइए देखते हैं लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स इन नोट्स अबव ये पढ़िए इसको

आपने सिर्फ उसमें पेज जो भी खराब हुए वो किया अपने अपनी कलाकारी दिखाई इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करकेट वॉज द सेल ऑफ गुड्स अब क्या हुआ मैंने आपको अपना कोट दिया मैंने कहा भैया इस कोट को क्लीन कर दो उसको आपने क्लीन किया तो उसमें आपने कुछ अपना पॉलिश वॉलिश यूज किया बढ़िया वाला कुछ बटन वटन के टांके खराब हो गए तो वो आपने सिल दिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटीरियल है लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे को इस इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वो, वो चाहिए फर वाला कोट चाहिए यहां या, बटन होना चाहिए होना चाहिए ये 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 कलर है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्योंकि पूरी की पूरी सप्लाई सामान की आपने की है दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल अब समझ में आता है कि डिपेंड करता है कि कितना आप सामान दे रहे हो एंड अगर आपने सामान नहीं दिया इट्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटीरियल तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क किया जैसे कि आपने जो है पॉलिश लगा करके कोट में बटन दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटीरियल नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो यहां पर देखते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर प्राइस बट वेन नो गुड्स आर सोल्ड वेन द वेन

नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम लोग कैसे करते हैं तो बेसिकली अभी हम लोगों ने दुनिया की सारी बातें पढ़ ली हैं लेकिन अब आइए ये समझते हैं कि सेक्शन फाइव के हिसाब से सेक्शन के हिसाब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको बहुत आसान लगेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हाउ इट इज मेड उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसके बाद आएगा असरटेनमेंट ऑफ प्राइस और ये आपका जो है सेशन खत्म राइट तो है वन सेकेंड गाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे करते हैं ठीक अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव याद रखिएगा ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एक्सेप्टेंस होना चाहिए तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है एक म्यूचुअलेशन होती है प्राइस होता है यानी कि नॉन ग्रेट्यूड होना चाहिए राइट द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी भी बोल सकता है या फिर इमीडिएट पेमेंट भी बोल सकता है या फिर बाद में पेमेंट बोल सकता है बाद में डिलीवरी बोल सकता है या फिर बाद में पेमेंट डिलीवरी दोनों बोल सकता है तो बहुत सारे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो बातें होती है इमीडिएट या फिर एग्रीमेंट राइट right? तो ठीक है ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन इमीडिएट और लेटर नाउ Further, as per 5, अब यहाँ पे आप सेक्शन फाइव पढ़ रहे हो तो ये टाइम इन फोर्स सेल मेंउ और पार्टली क्या बात है यार आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ी चुके हो राइट right? यहाँ पे भी जो सेल होती है वो आप लिखित रूप में बोल करके या फिर आप 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 क्या बोल सकते हैं आप इम्प्लाई की तरफ भी कर सकते हो इम्प्लाई कहने का मतलब आप एक गोल्ड स्मिथ के शॉप पे गए यानी कि आप एक ज्वेलर की शॉप में गए उसने आपको एक ज्वेलरी दिखाई आपने एक ज्वेलरी साइड में कर दी इसका मतलब है कि वो आप परचेस कर रहे हो उस पर प्राइस टैग लिखा हुआ है तो एवरी इज फुलफिल्ड हेयर तो कहने का मतलब जो सेल है दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है एग्रीमेंट टू सेल है इमीडिएट सेल है वो राइटिंग में ओरली पार्टली इन राइटिंग पार्टली ओरली और इंप्लाइड वे में पांचों तरीके से हो सकती है आइए एनालिसिस की बात करें वही बात बताएगा मोड्स क्या है चलो वही बात है यार सिंपल सी बात है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफर ऑफर टू बाय सेल एंड एक्सेप्टेंस नेक्स्ट इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है या फिर इमीडिएट पेमेंट हो सकती है या फिर बाद में दोनों चीजें हो सकती हैं ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा एकदम सेम है कि डिलीवरी बाद में हो सकती है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो सकती है डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है एटसेट्रा 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 तो ये है हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड मेरे ख्याल से आप बस इतना याद कर लेंगे हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या होता है यार सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सेल का गुड्स और क्या तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वैसे तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वही बात फिर एग्जिस्टिंग right? तो तो गुड्स हो, हो सकता है आपके फ्यूचर गुड्स हो, हो सकता है कंटेंजेंट गुड्स हो कुछ भी हो सकता है अगर प्रेजेंट सेल हो रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट सेल है तो ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग गुड्स होगा अगर आपका प्रेजेंट सेल नहीं है आपकी एग्रीमेंट टू सेल है तो वहां पे कंटिंजेंट गुड्स हो सकता है वहां पे फ्यूचर गुड्स हो सकता है बस इतनी सी बात लिखी हुई है नेक्स्ट एक बात है दोस्तों डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की डिस्ट्रक्ट हो गए अगर गुड्स खराब हो गए अगर गुड्स तो उसका क्या किया जाएगा आइए अब उसको पढ़ते हैं मैं लेती हूं 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ऑल राइट अच्छा पढ़ी नेक्स्ट टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स ठीक है तो बेसिकली यहां पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गुड्स हैं जो सामान है अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी कि मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स है फ्यूचर गुड्स है कंटेंजेंट गुड्स है वो अब अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या किया जाएगा किसकी वो लॉस होगी किसकी जो है लाइबिलिटी होगी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स नोट्स इन दी एंड यहां पे मुझे मजेदार नहीं लगा हुआ है नोट्स इन दी एंड इन दी एंड इन एंड ये देखिए नोट्स इन दी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स देखो भाई बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मिनट 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 जी पे आप लिख लो इसको रिकॉग्नेशन आपकी मैम इंटेलिजेंट है लिखती नहीं है वॉइस टू तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है क्या बात है देखो भैया अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं बनाया है यानी कि आप बस एक एग्रीमेंट कर रहे हैं मान लेते हैं कि मैं बोलती हूं कि हे बेटा बी आप बी हूं मैं बोलती हूँ बी आपको जो है मैं अपना हॉर्स सेल करूंगी ना तब तक, तक वो हॉर्स मर चुका था आपने ये चीजें पहले पढ़ चुकी हैं तो ये वॉइड हो जाएगा बिकॉज मेकिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से आप दोनों को लगता है कि हॉर्स जिंदा है इम्पॉसिबिलिटी के चक्कर में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के चक्कर में अब वो इन्फोर्सिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होएगा ही नहीं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक बिकॉज ऑफ द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड हेंस इट इज वॉइड तो ये बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई है तो मैंने ये एक्साम्पल दे दिया Now. Uh, एक मिनट हम देखो इसको भी हटा दो भाई मान ले देखिए मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया लेकिन सेल इफेक्ट नहीं हुई ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल था फ्यूचर में लेकिन सेल इफेक्ट नहीं हुई फ्यूचर में होगी फ्यूचर में होगी पता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट टू सेल आता है अब एग्रीमेंट तो सेल है लेकिन सेल इफेक्ट नहीं हुई है अगेन ये भी वॉइड होगा क्यों क्योंकि यहां पे जो रिस्क है वो पास नहीं हुआ है बायर को और अभी अगेन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है तो ये भी वॉयड होगा एक्चुअल में क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं भी अभी आपको पढ़ाती हूँ लेकिन वो बेहतरीन तरीके से उसका रीजनिंग नहीं दिया है यहां से रीजनिंग पढ़ लीजिए कि क्यों क्यों नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोल रहा है म्यूचुअल मिस्टेक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के चक्कर में ये वॉइड है राइट right? इसको मैं बड़ा बड़ा सा लिख देती हूँ यार दिस विल बी वॉयड कब की बात कर रहे हैं हम लोग हम लोग बात कर रहे हैं बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल हैज हैजन यहां पे भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के चक्कर में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के चक्कर में ये अगेन वॉइड है वॉइड है वॉइड है नाउ ये सेक्शन बेसिकली ना सेक्शन एंड सेवन की बात हो रही है तो लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिलीफ ऑफ सेक्शन सेवन एंड सेक्शन एट इज ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स कहने का मतलब मान लेते हैं कि, uh, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एक एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं uh, देखो वॉइड हो गया ठीक है अब अवॉइड हो गया तो यहाँ पे बच्चा कौन यहां पे जो सेलर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हो गया अब उसको घोड़ा देने की जरूरत नहीं है वाई बिकॉज आपने बायर ने बायर ने कहा था फॉर एग्जांपल फिर से फिर से फिर से देखो समझो इस बात को समझो कभी कभी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है बच्चे पार्टी को अच्छे से समझ में आए मान लेते हैं कि आपने मुझसे कहा कि देखिए मैं जो है आज घोड़ा जो है लेकर के जाऊंगी क्योंकि मुझे ब्लैक घोड़ा चाहिए आपके पूरे के पूरे घोड़ों में से मुझे ब्लैक घोड़ा चाहिए और और, और Uh, मुझे उसको अपनी वाइफ के साथ फोटो शूट के लिए लेके जाना है अब वो आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया अब आपको पता नहीं चला कि बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट घोड़ा मर चुका है तो ये वॉइड हो गया इवन अगर ये एग्रीमेंट टू सेल भी है मैंने आपसे कहा कि मैं घोड़ा आपको ट्वेंटी दूंगी तो भी ये यह इम्पोसिबिलिटी अगेन वॉइड हो गया लेकिन मान लेते हैं मान अब यहां पे ना बायर बल्ले बल्ले कर रहा है बल्ले 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 अगर बायर नहीं दे पाता आपको पता है कि बायर अगर एग्रीमेंट टू सेल या फिर सेल करने के बाद नहीं दे पाता तो बायर की तरफ से ब्रीच होता उसको डैमेज पे करना पड़ता लेकिन यहां पे क्योंकि बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बिफोर बिफोर डिलीवरी द सेल ये डिलीवरीबल हो गया है वॉइड हो गया है तो बायर बायर बल्ले बल्ले कर रहा है, बायर कह रहा है है कह कि अब मुझे कोई टेंशन की बात है ही नहीं कोई डैमेज नहीं देना पड़ेगा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हो गया हूं लेकिन, लेकिन 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 ये रिलीफ ये रिलीफ ये रिलीफ नहीं अवेलेबल है अगर स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है अभी तक स्पेसिफाइड गुड्स थे मेरे को काला घोड़ा मांगता है काला घोड़ा मर गया तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म खल्लास लेकिन 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 अगर तो मुझसे किसी ने कहा है कि मेरे को घोड़े चाहिए मुझे घोड़ा चाहिए मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं उसने असर्टन नहीं किया है स्पेसिफाई नहीं किया है अभी भी अन है गुड्स घोड़ा तो अगर एक घोड़ा मर भी जाता है फिर भी मुझे उससे कोई ना कोई ना कोई घोड़ा जरूर देना पड़ेगा सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल है मान लेते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है इन केस देर आर अनसर्टेन गुड्स द पेरिशिंग ऑफ होल क्वांटिटी विल नॉट रिलीव द सेलर ऑफ हिज ऑब्लिकेशन टू डिलीव द गुड्स कहने का मतलब मान लेते हैं लौकी मैं लौकी का कारोबार करती हूँ पता है ना लौकी सब्जी होती है वेजिटेबल तो मैं लौकी का कारोबार करती हूँ मेरे खेत में से लौकी कट करके फिर मेरे वेयर हाउस पर आती है मैंने कहा कि मुझे लौकी मैं आपको लौकी दूंगी आपने कहा कि मेरे को एक क्विंटल लौकी चाहिए अब आपने बिल्कुल भी ये बात नहीं की थी कि वेयर हाउस में से लौकी कट के आएगी वेयर हाउस में से लौकी मैं आपको दूंगी अब वेयर हाउस में पूरी लौकी सड़ चुकी है यहाँ पे क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हुआ था यहाँ पे मतलब बेसिकली अनऐसर्टेन्ड थे अभी गुड्स बस बोल दिया कि लॉकी है बस इतना बोल दिया यहाँ पे बायर जो है रिलीव नहीं कर सकता है ये वॉइड नहीं हुआ है क्योंकि आप लॉकी फिर से नहीं दे सकते हो तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स पेरिशेबल गुड्स के चक्कर में के केस में अब आइए पढ़ते हैं आगे

तो ये वॉइड हो गया है क्योंकि इट इज बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉलेज ऑफ द सेलर एंड बायर नहीं है ये म्यूचुअल मिस्टेक है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है एक्साम्पल देख लीजिएगा राइट नेक्स्ट गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल अगेन यहां पे भी वॉइड हो जाएगा क्योंकि आपने सेल अभी नहीं की हुई है सिर्फ एग्रीमेंट टू तो सेल किया हुआ है एग्रीमेंट टू तो सेल कर रहे हो यहां पे अगेन द सेम थिंग कि रिस्क पास ऑन नहीं हुआ है उसके पहले ये सामान खराब हो चुका है डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहा है अवॉइड कर सकते हैं दोनों ही पार्टीज को अवॉइड हो गया ठीक है अच्छा मैम ना चाहें तो अवॉइड uh, ना करें ठीक है वो आपकी मर्जी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स मान लेते हैं कि कुछ फ्यूचर गुड्स की बात हो रही है अगेन ये भी तो होगा ना यार गुड्स ही नहीं है अभी आपने जो है एग्रीमेंट टू तो सेल कर दिया है और फिर उस फ्यूचर गुड्स हैं डिस्ट्रॉय हो गए बीच में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी राइट अब फ्यूचर गुड स्पेसिफिक थे और वो जो है स्पेसिफिक थे याद रखना याद रखना याद रखना स्पेसिफिक थे अगर स्पेसिफिक नहीं थे तो नया फ्यूचर गुड्स लेकर के आ जाओ से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा याद रखना फ्यूचर गुड्स अगर स्पेसिफिक थे, थे और खराब हो गए तो तो नहीं कर सकते रिलीव नहीं हो सकते हे सेलर तुम, राइट? बात करते दोस्तों एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस की आखिरी बात करते हैं हम लोग एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस की किस तरीके से आप जो है प्राइस एसर्टेन करते हो किसी भी सामान का देखो यार बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे फ्लो चार्ट भी दिया हुआ था शायद देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी प्राइस का मतलब क्या होता है मॉनेटरी कंसिडरेशन मॉनेटरी कंसिडरेशन होनी चाहिए प्योरली काइंड में नहीं होना चाहिए पार्टली मनी पार्टली काइंड हो सकता है अब एक बायर और सेलर है जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा दो तीन चीजें हैं पहला या तो एग्रीमेंट में बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो कि इतना इतना पैसा या फिर मतलब एक मॉनेटरी कंसिडरेशन फिक्स हो चुकी हो म्यूचुअली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट इट्स दूसरा या तो या तो या तो और लिखा हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट में सेल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो the manner in which it will be fixed. हो द मैनर इन इट विल बी यानी कि कि सकता है कि आप समय समय पे मेरे से पेट्रोल के बॉक्सेस लेते हो पेट्रोल के टंकियां लेते हो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि जो भी पेट्रोल का उस वक्त गवर्नमेंट का प्राइस होगा उससे मैं आपको दस परसेंट नीचे पे आपको हर बार पेट्रोल दिया करूंगी तो मैंने यहां पर मैनर ऑफ फिक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है भले अमाउंट हर बार लीटर पेट्रोल नहीं दिया हुआ है या फिर, या फिर फिर भी भी अगर नहीं, ये भी अगर नहीं नहीं तो एक और चीज होती है कि मैंने लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट में कि वैल्यूअर एक होगा एक एक्सटर्नल व्यक्ति होगा एक वैल्यूअर होगा जो कि डिटरमाइन करेगा प्राइस ठीक है तीसरी बात यह हो गई चौथी बात यह लिखा जा सकता है कि समय समय पे विद बिटवीन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स हम दोनों ही पार्टीज डिफाइन कर लेंगे राइट right? तो अभी या तो फिक्स हो चुका है या तो मैनर फिक्स हो चुका है या तो वैल्यूअर को एक थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया गया है या फिर चौथा हम लोगों ने बोल दिया है कॉन्ट्रैक्ट में कि समय समय पर हम लोग फिक्स कर लेंगे टेंशन की बात नहीं है अगर ये सारी चीजें नहीं है तो क्या होगा उस केस में रीजनेबल प्राइस देगा बायर सेलर को ना यहाँ पे बहुत लोचा हो सकता है भाई तो इसीलिए कहा जाता है कि इनमें से कोई ना कोई एक चीज कर लो राइट right? यहां पे एक नई बात आपको समझ में आई ये तो बातें बहुत सिंपल होंगी एक नई बात समझ में आई कि वैल्यूअर आ रहा है एक नया एक्सटर्नल व्यक्ति आ रहा है वैल्यूअर ये कौन होता है देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक तीन महीने बाद अपनी बिल्डिंग सेल करूंगी और जो प्राइस होगा बिल्डिंग का वो उस वक्त उस वक्त सर्कल रेट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी वैल्यूअर है वो डिटरमाइन करेगा राइट तो ये तो बिल्कुल सही है इस तरीके से प्राइस फिक्स हो सकता है एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एग्रीमेंट प्राइस सेक्शन नाइन एंड सेक्शन टेन लेकिन कल को मान लेते हैं नेक्स्ट बात आ रही है कल को वो जो वैल्यूअर है अगर अपनी मर्जी से वैल्यूएशन नहीं कर रहा है हम लोगों ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि जो वैल्यूअर भैया है थर्ड पर्सन है वो ही वैल्यू डिटरमाइन करेंगे उसी के हिसाब से प्राइस फिक्स होगा और उसी के हिसाब से एग्रीमेंट टू सेल होगा अब मान लेते हैं कि अगर वो बंदा जो है नहीं कर पा रहा है गधा हो गया है वो नहीं कर पा रहा है या फिर वो करना नहीं चाहता है तो अब क्या होगा पूरी की पूरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गई है अब तो प्राइस ही नहीं है जब तक प्राइस नहीं है तब तक सेल्स नहीं हो सकता तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा अवॉइड वॉइड वॉइड दोनों पार्टी से अवॉइड हाँ, कल को आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट करो तो अलग बात है उसमें आप कुछ नई चीज कर लो एक नया वैल्यूअर को हायर हायर कर लो दूसरा अगर वो जो वैल्यूअर है वो जो वैल्यूअर है उसको या तो बायर या तो सेलर वैल्यू नहीं करने दे रहे हैं

ठीक है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस कैसे हो सकता है तो यहां पे बातें लिखी हुई हैं इसको आप अवॉइड कर सकते हैं आप जो है एनालिसिस पढ़ लें चार बातें दी हुई हैं एक दो तीन चार या फिर रीजनेबल पांच और दूसरी बात यहां पे सेकंड पार्ट यह दिया हुआ है आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो वही बात दी हुई है आपको पता है कि आपके लॉ में इसी तरीके से दिया हुआ है कि एक बात लिखी हुई है फिर उसका एनालिसिस दिया हुआ है तो मैंने आपको ये भी बता दी तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लो इसको पढ़ लो आप इसको कैंसल कर सकते हो, और आप इसको इसको कैंसिल कैंसिल कर कर सकते सकते हो हो और पढ़ना राइट तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि कैसे डिटरमाइन होगा मॉनिटरी कंसिडरेशन पांच तरीके हैं और दूसरा कि जब वैल्यूअर एक्सटर्नल व्यक्ति आ रहा है और वो नहीं कर रहा है तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वो खुद से नहीं कर रहा है करना नहीं चाहता है या फिर कोई और उसको बाउंड कर रहा है कि ना करे तो किसका डैमेज होगा इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है मिलते हैं यूनिट नंबर टू ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बबाय टेक केयर लव यू ऑल मुझे को बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में और इस पीडीएफ को मैं आपके ड्राइव में अपलोड कर दूंगी बाय